Hello everyone, good afternoon. Welcome to Study Infinite by the Apti Academy. So today we are going to discuss about these top 100 MCQs from the month of December. So MCQs ko revise karne ki time aa gaya hai. Good afternoon Arvind. So we are going to revise the MCQs, 100 MCQs hai December month se. Lagbhag sab logo ne pad liya hoga pura detail mein. Wo padhne ke liye hamare paas time to nahi hai, par hum 100 MCQs aaj ke lecture ke andar discuss karenge. Kal dopahar mein 12 baje mera financial awareness ka lecture rahega. और 3 बजे दोस्तों आपका मॉक रहेगा. आप सब लोगों ने मॉक की डिमांड की थी, तो कल 3 बजे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मॉक. पहला मॉक रहेगा. हम टोटल 4 से 5 मॉक आपके लिए कवर करने वाले, जिसका पहला मॉक कल 3 बजे रहेगा. इसके अलावा सुबह 12 बजे फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो रेगुलर लेक्चर होता है मेरा, जिसके अंदर हम लोग फाइनेंशियल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो वो आफ्टरनून में 12 बजे होगा और 3 बजे हम लोग मॉक लेने वाले हैं. जिस तरीके से अभी मैं 100 MCQs दिसंबर मंथ के आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, वैसे ही नवंबर मंथ का, अक्टूबर का, सितंबर का, सो लगभग हर महीने के 100-100 MCQs मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि IBPS क्लर्क मेंस में कोई भी गलती ना हो और प्रॉपर तरीके से हमारा प्रिपरेशन हो जाए. ये हमारा फोकस रहेगा. जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और भी हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़ जाए. सब लोगों को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून. सो विल स्टार्ट विद द सेशन. पहला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन के ऊपर डालता हूं, क्योंकि हमें 100 क्वेश्चंस डिस्कस करने, तो वी विल नॉट वेस्ट द टाइम एंड विल स्टार्ट विद द सेशन. पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द क्वालिटी रत्न अवार्ड. क्वालिटी रत्न अवार्ड रिसेंटली किसको मिला है, कोई इनका नाम बताएगा. यस एडवर्ड, गुड आफ्टरनून. यस, बाकी भी सारी इंफॉर्मेशन मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. यस, IBPS क्लर्क के हिसाब से ये सेशन चल रहा है. मैं सारे 6 महीने के 100-100 MCQs मिनिमम आपके साथ कवर करूंगा, प्लस हमारे 4 मॉक होने वाले हैं. मॉक के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे. इसके अलावा फाइनेंशियल अवेयरनेस के डेली 25 क्वेश्चन हम डिस्कस कर ही रहे, तो वो भी एक पार्ट आपके लिए कवर हो जाएगा. तो लगभग नियर अबाउट वी आर गोइंग टू कवर मोर देन 1000 क्वेश्चन ऑन जनरल अवेयरनेस ओनली फॉर द IBPS क्लर्क. तो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए कि हु हैज बीन कन्फर्ड एज अ क्वालिटी रत्न अवार्ड रिसेंटली. यस, आंसर इज सुरेश कृष्णा. सुरेश कृष्णा जर्नलिस्ट रह चुके हैं, बिजनेस वर्ल्ड नाम के मैगजीन के लिए वो लिखते थे, वन ऑफ द वेरी फेमस, पर अपने फील्ड में काफी अच्छे से काम करने की वजह से उनको ये क्वालिटी रत्न अवार्ड दिया गया है. सो दैट इज आंसर इज सुरेश कृष्णा. तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, यस अरविंद यू आर राइट, बेंगलुरु के अंदर ये समिट ऑर्गेनाइज किया गया था और जहां पे इनको ये अवार्ड दिया गया. क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, विच कंट्री विल होस्ट द मिलिट्री ड्रिल मिलन 2020. ये ड्रिल किस कंट्री के अंदर ऑर्गेनाइज की जा रही है. इस ड्रिल के अंदर दोस्तों नियर अबाउट 41 कंट्रीज की नेवीज, 41 कंट्रीज की फोर्सेस पार्टिसिपेट करने वाली, जिसका नाम रखा है मिलन 2020. एग्जैक्टली इसको कहां ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कोई इसका आंसर करेगा. यस, गुड आफ्टरनून प्रियंका मैम. यस, आंसर इज इंडिया, विशाखापट्टनम के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस दैट कि मिलन 2020 41 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर, मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर. विशाखापट्टनम के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है. सो यस, आंसर इज इंडिया ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2. यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका लगभग यहां पे सही आंसर आ रहा है, कोई गलत नहीं किया. पहला क्वेश्चन भी सबका सही आ रहा था, दूसरा भी सही आ रहा है, बहुत बढ़िया. दिसंबर बढ़िया पढ़ाई हुई है. चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं. हु हैज लॉन्च द कर्तव्य पोर्टल. रिसेंटली कर्तव्य पोर्टल लॉन्च किया गया. कर्तव्य पोर्टल का पर्पज ये कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे राज्य घटना के अंदर लिखी गई है, संविधान के अंदर लिखी गई है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज हर किसी को समझ में आए, इसीलिए कर्तव्य पोर्टल लॉन्च किया गया है, जहां पे स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चे अपने एसेज लिखेंगे और एवरी मंथ एसे कॉम्पिटिशन के थ्रू अवार्ड दिए जाएंगे. तो ऐसा पोर्टल किसने लॉन्च किया है, कोई बताएगा इसका आंसर. यस गाइज, ओके, आंसर इज यूजीसी. एब्सोल्युटली राइट, आंसर इज यूजीसी. सिमरनजीत कौर, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि क्वेश्चन कहां से आते हैं. अगर आप ये ढूंढते बैठोगे तो जिंदगी भर कभी समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन कहां से आते हैं. जस्ट रीड द न्यूज, कहां से आते हैं ये बहुत ही यूजलेस एक्सक्यूज रहेगा. आप सिर्फ पढ़ते रहिए, करंट अफेयर सेम ही होता है,
कहीं से भी पढ़िए, करंट अफेयर्स विल बी एग्जैक्टली सेम. सो सोर्सेस के ज्यादा न्यूज पढ़िए, न्यूज पढ़ोगे तो अच्छे से होगा. यस, यूजीसी विद द हेल्प ऑफ एचआरडी मिनिस्ट्री टूगेदर दे लॉन्च दिस कर्तव्य पोर्टल. सो पोखरियाल साहब ने इसको लॉन्च किया था. पर्पज ये था कि पूरे एक साल ये पोर्टल काम करेगा और पूरे एक साल यहां पे ऐसे कॉम्पिटिशन ली जाएगी जिसके थ्रू हम फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर ध्यान देने वाले हैं. अगेन ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे बिल्कुल गलती मत कीजिएगा. इस पर्पस के लिए कर्तव्य पोर्टल लॉन्च किया गया है. चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान दीजिएगा. हु हैज ऑनर्ड एज अ बिलबोर्ड 2019 वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड. ये यूएस में देने वाला अवार्ड है, म्यूजिक का अवार्ड होता है बिलबोर्ड 2019 वुमेन ऑफ द ईयर. ये अवार्ड एग्जैक्टली किसको मिला है बताइए. यस दोस्तों, दिस इज द इंटरनेशनल अवार्ड. यस, उन्होंने जो भी लिखा था मैंने पढ़ लिया है, कोई बात नहीं. बताइए, यस, बिली एलिश, शी गॉट दिस अवार्ड. इनको ये अवार्ड मिला है, म्यूजिक का अवार्ड होता है दोस्तों, इसलिए सारे म्यूजिशियंस के नाम यहां पे दिखने वाले हैं. सेलेना गोमेस, कैटी पेरी, इनका नाम आपने 100% सुना ही होगा. बिली एलिश इज ऑल्सो वेरी फेमस म्यूजिशियन ऑफ फ्रॉम द यूएसए एंड शी गॉट दिस अवार्ड, बिलबोर्ड 2019 वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड. तो याद रखिएगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिसके ऊपर काफी क्वेश्चन आ सकते हैं. चलो बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने सही जवाब दिया है. क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं. Where does 47th All India Police Science Congress held? Okay, All India Police Science Congress कहां पे held की गई, किस सिटी के अंदर held की गई है इस बार की, कोई बताएगा? Yes sir, जल्दी से बोलिए. Where does this particular Police Science Congress was held? चलो, काफी लोगों ने December की पढ़ाई बहुत सही तरीके से की हुई है. ऑब्वियसली मैं 100 MCQs डिस्कस कर रहा हूं, तो वी आर नॉट गोइंग टू सी द न्यूज इन डिटेल, वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द MCQs. यस, आंसर इज लखनऊ. लखनऊ इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. यस, लखनऊ में ऑर्गेनाइज की गई थी. दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले काफी लोग अभी तक जुड़ चुके हैं, तो मैं एक बार फिर से अनाउंस कर देता हूं कि कल 3 बजे हमारा पहला IBPS क्लर्क का पहला मॉक रखा गया है, जिसके अंदर QA, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे. जैसे हमने LIC असिस्टेंट के लिए रखा था, वैसे ही कल मंडे 3 बजे हमने मॉक रखा हुआ है. 12 बजे मैं आपके साथ फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करूंगा, 25 क्वेश्चन और एक टॉपिक जो मैं कल 12 बजे आपके साथ डिस्कस करूंगा. और 3 बजे हमने मॉक रखा हुआ है जिसका लिंक ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, तो उसके तरफ ध्यान रखिएगा. यस, पुलिस यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो अमित ने, प्रियंका ने कुछ अपडेट्स हमें दिए कि पुलिस यूनिवर्सिटी इन नोएडा, नोएडा के अंदर पुलिस यूनिवर्सिटी को बनाया गया है, वो भी एक पॉइंट याद रखिएगा. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है. अकॉर्डिंग टू RBI, विच पॉलिसी इज रेस्पॉन्सिबल टू रेज द बैड लोन्स. RBI का कहना है कि एक पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसकी वजह से बैड लोन्स काफी बढ़ रहे हैं, बैंक्स काफी नुकसान में जा रही है, तो वो कौन सी पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कोई बताएगा? एनीवन, विच पॉलिसी इज रेस्पॉन्सिबल? यस गाइज, यस जल्दी से, यस गुड आफ्टरनून. यस, आंसर इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. जिस मुद्रा योजना के अंदर छोटी इंडस्ट्रीज को, स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज को लोन दिए जाते हैं, शिशु, किशोर और तरुण, इन 3 कैटेगरीज में लोन दिए जाते हैं. पर RBI का यह कहना है कि जिस किसी इंडस्ट्रीज ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर लोन लिए, उसमें से मैक्सिमम लोग ये डिफॉल्ट में जा रहे हैं और लोन वापस नहीं आ रहे. अगर लोन डिफॉल्ट में जाएंगे तो बट ऑब्वियसली बैंकों का NPA बढ़ेगा, एंड दैट इज द बिग प्रॉब्लम दिस बैंक्स आर फेसिंग अंडर दिस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और RBI का ये कंसर्न है, तो इसके तरफ ध्यान रखिएगा. सो दैट इज द केस रिगार्डिंग दिस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है. वेयर डज 80th वाटर टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल कॉन्फ्रेंस 2019 हेल्ड? यस, मुद्रा योजना के अंदर, एक्चुअली अंशुली सिंह एब्सोल्यूट राइट, मुद्रा योजना के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि पैसा वापस ही नहीं आता है, बिल्कुल वापस नहीं आ रहा है. और सबसे ज्यादा तकलीफ बैंकों को, इन बड़े बड़े बिजनेसमैन से ज्यादा तकलीफ यहां पे हो रही है. कल के लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. जिन लोगों ने कल का लेक्चर देखा होगा उनको याद होगा, उस कोड के अंदर हम लोग रिकवरी की बात कर रहे थे, तो ये कोड यहां पे भी इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है.
Yes, dosto. Water Technology Environmental Conference was organized in Israel. Israel ke andar organized kiya gaya tha. India ko bhi represent kiya gaya hai. And we discuss about ki water technology aur environment ke liye kya kare. Filhal environment ko leke kaafi questions pooch sakte hain. एक और चीज आपके आइडिया के लिए बोल देता हूं, जितनी एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस होती है ये मोस्टली इस विंटर सीजन में ही होती है, बिकॉज़ विंटर सीजन इज वेरी इंपैक्टफुल फॉर टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट और द ग्लोबल वार्मिंग थिंग्स गोइंग ऑन. तो वो पॉइंट याद रखिएगा. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, इसरो हैज ट्रांसफर्ड इट्स इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस स्पेस ग्रेड लिथियम आयन सेल्स टू. इसरो ने रिसेंटली लिथियम आयन सेल्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया है, किस कंपनी को दिया है. इंडिजीनियस सेल बन रहे, इसरो इनको बनाना चाहते हो, इसरो ये चीजें यूज करना चाहती है. सो कैन यू टेल मी कि एग्जैक्टली ये लिथियम आयन सेल्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इसरो ने किस इंडियन कंपनी को दिया है. यस, वेरी गुड अंशुल, बहुत अच्छा अपडेट दिया है आपने इसराइल के सैटेलाइट का. या यू मेंशन अबाउट दैट, वेरी गुड. चलो बताइए, रिसेंटली लिथियम आयन बैटरीज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इसरो ने किसको दिया है. दे आर कॉल्ड द स्पेस ग्रेड लिथियम आयन सेल्स एंड द कॉन्ट्रैक्ट वेंट टू भेल. बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने सही आंसर दिए. सुरेश कुमार, वैभव, सरन्या, भाग्यश्री, वीना, बहुत बढ़िया, सबका लगभग सही आ रहा है. शिवानी मैम, कोई बात नहीं, यहां से ज्वाइन कर लो. 8 ही क्वेश्चन हुए, आंसर इज भेल ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, पीएसयूज के अंदर आता है एंड दे क्रिएटेड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बिकेम द फर्स्ट कंपनी टू लिस्ट इट्स कमर्शियल पेपर्स ऑन द बोर्सेस. कौन सी पहली कंपनी है जिसने अपने कमर्शियल पेपर्स को शेयर मार्केट में लिस्ट किया है. बोर्सेस का मतलब दोस्तों यहां पे होता है शेयर मार्केट. ये वर्ड याद रखना, ये फ्रेंच वर्ड है. फ्रांस में शेयर मार्केट को बोर्सेस कहते हैं. सो कौन सी एग्जैक्टली कंपनी है, इंडिया की पहली कंपनी है जिसने अपने कमर्शियल पेपर्स बोर्सेस पे लिस्ट किए हैं. कमर्शियल पेपर्स का मतलब ये होता है कि ये मनी मार्केट का टूल है जहां पे शॉर्ट टर्म के लिए ये पेपर्स इशू करके कंपनियां पैसे बोरो करती है. तो ऐसा करने वाली पहली कंपनी है इंडिया की, आदित्य बिरला. यस, आदित्य बिरला फाइनेंस इज द फर्स्ट कंपनी हु स्टार्टेड विद दिस काइंड ऑफ सिनारियो. तो यहां पे याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. बोर्सेस का मीनिंग कमर्शियल पेपर्स इज अ टूल ऑफ मनी मार्केट जहां पे लेस देन वन ईयर के लिए कंपनीज पैसे बोरो करती है, रेज करती है. वेरी गुड तपस्या, मनीषा, ऋतुपर्णा, सुदीप्ता, बहुत बढ़िया, सबका लगभग आंसर सही आ रहा है. चलो आगे बढ़ते हैं. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द स्टेयरिंग कमिटी ऑफ द कोड फॉर रेस्पॉन्सिबल लेंडिंग इन द माइक्रो क्रेडिट. जो भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होती है, ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जिस किसी को लोन देगी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल लेंडिंग का एक कोड बनाया गया है. ये कोड किस कमिटी ने क्रिएट किया, उस कमिटी का नाम बताइएगा जल्दी से. यस दोस्तों, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, महिला बचत गट होते हैं, ये लोग बहुत बार लोन बांटते हैं, कि एक स्मॉल अमाउंट का लोन बांटते हैं. स्मॉल अमाउंट का लोन रेस्पॉन्सिबिलिटी बांटने के लिए एक कमिटी बनाई गई थी. उस कमिटी ने यह रिपोर्ट दिया कि कोड फॉर रेस्पॉन्सिबल लेंडिंग, जिसको CRL कहते हैं. यस, बहुत ही बढ़िया, सब लोगों का आंसर सही आ रहा है. एचआर खान कमिटी क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर कोड, उन्होंने कोड बनाया हुआ है. एक और क्वेश्चन एग्जाम के लिए याद रखिएगा कि माइक्रो क्रेडिट के अंदर CRL का फुल फॉर्म क्या होता है, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा. और माइक्रो क्रेडिट इंस्टीट्यूट्स क्या होती है, ये छोटे इंस्टीट्यूट होती है, वो छोटे पैमाने के लोन प्रोवाइड करती है. ये मोस्टली बैंकों से पैसा उधार लेती है और फिर आगे पैसा फॉरवर्ड करती है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे चाय का टपरी डालना होगा या मुझे वड़ा पाव का गाड़ी डालना होगा, तो ऐसे टाइम पे अगर मुझे लोन की जरूरत पड़ती है तो वी कैन यूज सच काइंड ऑफ माइक्रो क्रेडिट. यस एडवर्ड, योर क्वेश्चन इज वेरी वैलिड. मुझे भी बहुत दिनों से पूछना था, भाई अरविंद तू कौन सा नेट कौन सा यूज करता है, मुझे भी बता दे. चलो आगे जाते हैं. MMTC has decided to import 11,000 metric tons of onion from which country? Yes. MMTC has decided to import 11,000 metric tons of onion from which country? किस कंट्री से इतना अनियन ऑर्डर किया गया है by MMTC? कोई बताएगा? Yes, दोस्तों, anyone? Question number 11. Yes. Yes, the answer is very simple. Turkey. Okay, so Turkey is the answer. मेरे ख्याल से अरविंद को अंबानी साहब ने स्पेशल पैकेज दिया हुआ है, कोई बात नहीं. Okay, question number 12 पे जाते हैं. Yeah,
बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही आ रहा है. टर्की इज द आंसर ऑफ द कंट्री. इट माइट बी दे आस्क द क्वेश्चन कि कितना मेट्रिक टन का मंगाया जा रहा है, तो थोड़ा सा मेट्रिक टन कितना मंगाया जा रहा है उसके तरफ भी ध्यान रखिएगा, वहां पे भी शायद आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, चलो और बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर. हु विल होस्ट द G20 लीडर्स समिट इन नवंबर 2020? G20 लीडर्स का समिट नवंबर 2020 में कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? Okay, अरविंद सिंह सऊदी अरेबिया, स्वीटी सिंह रशिया, शुभम सिंह सऊदी अरेबिया, अमित का भी सऊदी और सऊदी आंसर है, लगभग सबका आंसर सऊदी अरेबिया आ रहा है. यस यस, वेरी गुड गाइस, आंसर इज सऊदी अरेबिया. 2022 की बात करेंगे तो 2022 में इंडिया में ऑर्गेनाइज हो रहा है, पर 2020 में सऊदी अरेबिया को यह दे दिया गया, सऊदी अरेबिया के अंदर ऑर्गेनाइज होगा. बट प्रॉब्लम ये हो सकती है, फिलहाल ट्रंप साहब थोड़ा एडवेंचरिज्म में निकले हुए, थोड़ा सा वो बहुत ही बोल्ड बन गए और ईरान के साथ पंगा ले बैठे हैं. सो माइट बी देयर कैन बी अ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन, बिकॉज ईरान टुडे ओनली अनाउंस, उन्होंने अपना एक स्पेशल फ्लैग होस्ट किया है, रेड कलर का फ्लैग होता है ईरान का. अगर ईरान रेड कलर का फ्लैग होस्ट करती, इसका मतलब यह है कि ईरान वॉर के लिए रेडी है, वो उनका तरीका होता है बताने का. और आज ही उन्होंने वो फ्लैग होस्ट किया है और सब अभी डर चुके हैं कि माइट बी देयर कैन बी अ वॉर. अगर वॉर वाली सिचुएशन आती है तो गल्फ कंट्रीज कैन बी वेरी डेंजरस एंड द सिनेरियो कैन हैपन. तो थोड़ा उसके तरफ ध्यान रखिएगा. थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो आज मैंने पढ़ी थी, जस्ट आई गिव दैट इंफॉर्मेशन. सो 2020 सऊदी अरेबिया, 2021 चाइना एंड 2022 इंडिया, दैट इज अ केस. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. हु हैज बिकम द फास्टेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर 7000 टेस्ट रन्स? अब यहां पे बात आ चुकी है क्रिकेट की, स्पोर्ट्स की बात आ चुकी है. सो हु हैज बिकम द फास्टेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर 7000 टेस्ट रन्स? यस दोस्तों, जल्दी से बताइए कौन से क्रिकेटर है जिन्होंने 7000 टेस्ट रन सबसे पहले बनाया. मेरे ख्याल से 70 मैचेस में बनाए होंगे. के यस, अगर ईरान का वॉर होता तो इंडिया के ऊपर बट ऑब्वियस इंपैक्ट होगा, बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, बिकॉज ऑयल के प्राइजेस पहली चीज, और दूसरा हमारा एक पोर्ट है जो ईरान के अंदर काम करता है ताकि हम सेंट्रल एशिया से कनेक्ट कर पाए, जिस पोर्ट का नाम है छब्बार पोर्ट. तो हमारा रिलेशन ईरान के साथ बहुत अच्छा है और वो खराब हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस. ओके यस, आंसर इज स्टीवन स्मिथ और स्टीव स्मिथ इज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर. 70 मैचेस में, केवल 70 मैचेस के अंदर 7000 टेस्ट रन्स उन्होंने स्कोर किए एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट. ओके, तो याद रखिएगा अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं. द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मेक हॉलमार्किंग ऑफ ज्वेलरी एंड आर्टिफैक्ट्स मैंडेटरी. फ्रॉम गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया कि जितनी ज्वेलरी बेची जाती है या जितने आर्टिफैक्ट्स बेचे जाएंगे उनके ऊपर हॉलमार्क रहेगा. यह हॉलमार्क कब तक कंप्लीट करना है, कौन से साल तक हॉलमार्क हर चीज के ऊपर आना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग अनदर टाइप ऑफ डीमोनेटाइजेशन फॉर द गोल्ड. तो वो करने से पहले हॉलमार्किंग होनी जरूरी है. तो हॉलमार्क कब तक किया जाएगा, कोई बताएगा? स्वीटी मैम, आपका आंसर थोड़ा सा गलत हो गया. बाकी जैन 2021 सब लोगों का वही कहना है. तो यस, आंसर इज राइट, जैन 2021. याद रखना 2021 के बाद गवर्नमेंट इज प्लानिंग, गवर्नमेंट एक्चुअली अभी प्लान कर रही थी, पर 2021 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्लान कर रही है कि गोल्ड के ऊपर भी लिमिटेशन लाई जाए कि कौन कितना गोल्ड खरीद सकता है. पर ये लिमिटेशन लाने से पहले हमें ज्वेलरीज के ऊपर हॉलमार्किंग करना जरूरी है, अगर वो नहीं किया तो दिक्कत आ सकती है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. चलो बता दीजिए, नागालैंड सेलिब्रेट्स इट्स स्टेटहुड डे एनुअली ऑन. कब स्टेटहुड डे मनाता है? यस, नागालैंड का स्टेटहुड डे कब होता है, कोई बताएगा? डीमोनेटाइजेशन इज जस्ट अ मेटाफर, आई यूज एडवर्ड. ओके, डोंट टेक इट लिटरली. द थिंग हैपन विद द डीमोनेटाइजेशन, द सेम थिंग विल हैपन विद द गोल्ड, बिकॉज जितना गोल्ड आपने खरीदा हुआ है आपको बताना पड़ेगा कि ये गोल्ड किस पैसे से खरीदा, पैसा कहां से आया था, इसके ऊपर टैक्सेस पे किए कि नहीं पे किए, वो सारी चीजें बतानी पड़ेगी प्रॉपर लीगल वे से. क्योंकि बहुत लोगों ने डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे ब्लैक मनी छुपाने के लिए गोल्ड खरीद लिया, तो अगर ब्लैक मनी वापस निकालना है मार्केट से तो आपको वो गोल्ड मनी के गोल्ड दिखाना पड़ेगा. शुभम यू आर, चलो आई विल नॉट गो इन टू दैट शुभम राइट लव. यस, आंसर इज 1st of December फॉर दिस क्वेश्चन. यस, बहुत बढ़िया, सब लोगों ने लगभग सही जवाब दिया है. हॉर्नबिल फेस्टिवल के ऊपर अमित ने छेड़ा दिया है, तो यस, हॉर्नबिल फेस्टिवल भी यहीं पे ऑर्गेनाइज किया जाता है. बहुत बढ़िया, यस अरविंद, राइट. चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स? इंडिया में
फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, उसका नाम है कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स। जो भी अकाउंट्स है उस अकाउंट्स के ऊपर एक कंट्रोलर होता है, एक हमारे ब्यूरोक्रेट बैठते हैं जो चेक करते हैं कहां पे पैसा किस तरीके से खर्च हो रहा है। तो इस पोस्ट पे रिसेंटली किसका अपॉइंटमेंट किया गया है तो बताएगा। एज यूजुअल अरविंद का आंसर आ चुका है, और कोई एनीवन? चलो गाइस जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 पे अभी तक हम लोग पहुंचे, हमें और 100 क्वेश्चंस कवर अप करने हैं। यस, सोमा रॉय बर्मन इज द आंसर एंड इज इलेक्टेड एज अ ब्यूरोक्रेट फॉर द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स। दोस्तों ऐसे चीजों के ऊपर क्वेश्चन पूछना थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं, थोड़ा वो पॉइंट याद रखिएगा। यहां पे थोड़े क्वेश्चन शायद अभी थोड़ा कम आएगा। क्या बात है, सबका आंसर सही है। यस, सेवंथ वुमन एज अ इलेक्टेड ओवर देयर। यस, एब्सोल्युटली राइट। द थीम फॉर वर्ल्ड एड्स डे, हम वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं मंथ ऑफ डिसंबर में, सो उसका इस साल का थीम क्या था, क्यों बताएगा इसका आंसर? यस, बोलिए। वर्ल्ड एड्स डे 2019 का थीम, यस मिस्टर एजुकेशन टोरेंट, बाकी लोगों को भी तो आंसर करने दीजिए। लेट अदर आंसर। यस गाइस, यस आंसर इज डी ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर डी है। यहां पे बहुत लोग गलती कर सकते हैं। कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस, ये इस साल का थीम था। हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी और नो योर स्टेटस, ये सारे नहीं थे। आंसर इज ए, कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस, बिकॉज ड्यूरिंग द एड्स में कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट बहुत मैटर करता है। दैट्स वाई दिस इज द आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज किसको मिला है? फर्स्ट बुक प्राइज कॉल्ड एज अ शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज किसको मिला हुआ है, कोई बताएगा? यस दोस्तों, यस ए लास्ट ईयर का था। एब्सोल्युटली राइट, हो जाता है, कोई बात नहीं, गड़बड़ हो जाती है, इस बार शायद अपडेट ना कर पाए। यस, 18 का क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज। ऐसा कोई जो इंसान जिसने पहला बुक लिखा और पहला बुक ही फेमस बन गया, तो टोनी जोसेफ वन ऑफ द एंसेस्टर्स, इंडियन एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर टोनी जोसेफ ने एक बुक लिखा हुआ है एंशियंट हिस्ट्री को लेके। अगर क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया कि एग्जैक्टली बुक किस चीज के ऊपर होगा, था, तो याद रखेगा द बुक वॉज इन ऑन एंशियंट हिस्ट्री, टोनी जोसेफ, ही रोट द बुक अर्ली इंडिया। यस एग्जैक्टली, एंड ही इज अ वन ऑफ द जर्नलिस्ट एंड ही गॉट दिस अवार्ड, नेम इज टोनी जोसेफ। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। द ग्लोबल माइग्रेशन फिल्म फेस्टिवल, ग्लोबल माइग्रेशन फिल्म फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज इन, कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था, जल्दी से बताइए। ग्लोबल माइग्रेशन फिल्म फेस्टिवल के माइग्रेशंस को लेके जितनी डॉक्यूमेंट्रीज बनती है, जितनी मूवीज बनती है, उन सबको लेके फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। इस साल ये फिल्म फेस्टिवल कहां ऑर्गेनाइज किया गया था, जल्दी से गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग हैं। यस, या आंसर इज बांग्लादेश। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बांग्लादेश। बांग्लादेश में ढाका में ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पे माइग्रेशन के ऊपर डिस्कशन किया गया। यहां पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज प्रेजेंट की गई कि माइग्रेशन में कैसे किस तरीके से इंपैक्ट होता है, एंड वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस आंसर इज सी, बांग्लादेश। चलो क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन के ऊपर है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस, मॉरिशस के नए प्रेसिडेंट से आपका नाम बताइए। मोस्टली जो हमारी ईस्टर्न कंट्रीज है, या एशिया में जो ईस्टर्न साइड में जितनी कंट्रीज आती है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जिनको हम लोग कहते हैं, इन कंट्रीज के अंदर मोस्टली इंडियन ओरिजिन के लोग ये प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं बहुत ज्यादा टाइम। तो कौन है जो रिसेंटली मॉरिशस के प्रेसिडेंट बने हुए हैं? यस पृथ्वीराज सिंह रूपुन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वो रिसेंटली मॉरिशस के प्रेसिडेंट बने हुए, रिसेंट प्रेसिडेंट। बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की हुई है, दैट्स अ गुड थिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन के ऊपर है। वॉलमार्ट इंडिया हैज लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इन द पार्टनरशिप विथ वॉलमार्ट इंडिया। वॉलमार्ट में भी, सॉरी इंडिया के अंदर भी वॉलमार्ट काम करता है, तो रिसेंटली वॉलमार्ट इंडिया ने एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किस बैंक के साथ मिलकर, किस बैंक के साथ टाई अप करके इन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है, जल्दी से कोई बताइए। यस दोस्तों, एनीवन? यस गाइस, विथ विच बैंक दे हैव लॉन्च दिस क्रेडिट कार्ड?
Answer is Axis Bank. With Axis Bank together, they launch this card. Axis Bank ke saath, they are launched. The co-branded card is launched with the Axis Bank. Answer is B of this question. Kafi log yahan pe galat kar baithe. Thoda dhyan rakhiyega. Answer is Axis card. Axis Bank. Chalo, next question. Who has been elected as a new president of Asian Development Bank? Asian Development Bank ke naye president ka naam bataiye. Jaldi se. Who has been elected as a new president of Asian Development Bank? Jaldi. Yes, guys. Asian Development Bank ke naye elected head ka naam bataiye. Koi baat nahi, koi baat nahi. Kuch nahi, ho jata hai. Chalo, iska answer kar dijiye. Asian Development Bank ke naye head ka naam bataiye. कोई बात नहीं, इसीलिए तो टेस्ट ली जा रही है ताकि आपको एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस आपके नजर के अंदर से तो चले जाए. यस, आंसर इज सी ऑफ दिस क्वेश्चन. मासातुगु असाकावा इज द न्यू हेड ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक. डेविड मालपास की बात करेंगे तो डेविड मालपास इज द हेड ऑफ वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक के हेड है, पर असाकावा इज द राइट नाउ द हेड ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक. फिलीपींस के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, वहां से वो काम करता है. यस, शुभम ने बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया. फिलीपींस के अंदर, मनीला के अंदर उसका हेडक्वार्टर है. और जापान इज द हाईएस्ट स्टेक होल्डर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक. एशियन डेवलपमेंट बैंक में जापान बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, यूएस सेकंड स्टेक होल्डर है. इसी के वजह से हमने एनडीबी या एआईआईबी बना के रखी हुई है, जहां पे चाइना और इंडिया सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स है. तो इस एडीबी को ही कॉम्पिटिशन देने के लिए हमने एआईआईबी या एनडीबी बना के रखी है, जिसके अंदर चाइना और इंडिया सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं. Which state has decided to provide 25% subsidy and 100% stamp duty waiver for setting up of the defense industry in the state? कौन से state ने recently announced किया है कि answer is Axis Bank. They launched with the Axis Bank. Okay, यहाँ पे मुझे question बताइए. With which state recently announced 25% subsidy and 100% stamp duty waiver अगर वो defense की industry बनाते हैं तो? कौन सा state है? चलो बताइए. यस, आंसर इज यूपी. यूपी के अंदर बिजनेस को प्रमोट करने के लिए योगी साहब के गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अगर यूपी के अंदर डिफेंस की इंडस्ट्री बनाते हैं तो 25% की सब्सिडी मिलेगी प्लस 100% का स्टैम्प ड्यूटी वेवर मिलेगा. तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिक इंडस्ट्रीज कैन गो ओवर देयर. के पर एट द सेम टाइम योगी साहब को उसकी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी. भरोसा नहीं, वहीं से देसी कट्टे मिलना शुरू हो जाए. ओके, दैट कैन बी द केस. एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 24 पे जाते हैं. हु हैज बीन अप्रूव्ड लोन of $206 million to develop water supply and sewerage infrastructure in the Tamil Nadu? Jaldi se bataiye. Yes, iska answer kar dijiye. Who has approved the loan of $206 million to develop the water supply and the sewerage infrastructure in Tamil Nadu? यस, ट्रिपल तलाक वाला भी लॉन्च किया हुआ है. यस, आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक. विथ एशियन डेवलपमेंट बैंक दे लॉन्च दिस पर्टिकुलर थिंग फॉर द तमिलनाडु के लिए. $206 million का लोन मिला हुआ है. यस, वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. 25. हु हैज इन्वेस्टेड 200 million इन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड? जल्दी से बताइए. महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को 200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कहां से मिला है? एनीवन? यस गाइस, जल्दी से. महिंद्रा एंड महिंद्रा को 200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किस ऑर्गेनाइजेशन से मिला हुआ है? एनीवन? ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा गॉट दिस फंडिंग ऑफ 200 मिलियन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक के अंदर आईएफसी आता है. आईएफसी के थ्रू इनको ये फंडिंग मिला हुआ. आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, आईएफसी ने, वर्ल्ड बैंक की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ये फंडिंग दिया हुआ है 200 मिलियन का. वर्ल्ड बैंक में याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक कैन गिव द फंडिंग टू द गवर्नमेंट एज वेल एज दे कैन गिव फंडिंग टू द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. सो महिंद्रा एंड महिंद्रा गॉट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक. यस, वेरी गुड. चलो, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द मधु ऐप टू हेल्प स्कूल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड देयर सब्जेक्ट्स इन अ बेटर एंड मोस्ट एफिशिएंट वे? मधु नाम का ऐप किस स्टेट ने लॉन्च किया है जहां पे सब्जेक्ट्स को प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा? जल्दी से इसका आंसर कीजिए.
ये ऐप किस स्टेट ने लॉन्च किया जहां पे बेटर वे का अंडरस्टैंडिंग, एजुकेशन का अंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया जाएगा. सो दिस ऐप इज लॉन्च बाय विच स्टेट. मनीषा गेव द आंसर, अरविंद ऑल्सो गेव द आंसर, यस साहिल का भी आंसर आया, बहुत बढ़िया साहिल. ओके यस, आंसर इज ओडिशा. ओडिशा इज द स्टेट गवर्नमेंट हु लॉन्च सच काइंड ऑफ ऐप. तो मधु के तरफ ध्यान रखिएगा, विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. चलो आगे बढ़ते हैं. हु हैज बीन कन्फर्ड विद द पेटा The People of Ethical Treatment of Animals Person of the Year Award 2019. कौन सा हॉलीवुड एक्टर है जिसको पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 2019 का? यस गाइस, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए. यस दोस्तों, जल्दी से आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. हु गॉट दिस अवार्ड? यस यस, जेपी फोनिक्स, ही गॉट दिस अवार्ड. अभी रिसेंटली उनका जोकर नाम का मूवी आया था, वन ऑफ द परफेक्ट मूवी, बहुत काफी फेमस एक्टिंग, बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने. सो जे आर फेनिक्स, ही गॉट दिस पर्टिकुलर अवार्ड. तो याद रखिएगा, वेरी फेमस एक्टर. लियोनार्डो डी कैप्रो की बात करेंगे तो वो एनवायरमेंट के बारे में काफी मेहनत करते हैं, बट ही गॉट दिस पर्टिकुलर अवार्ड. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, द क्रिस्टोफर मार्टिन जिनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड हैज बीन कन्फर्ड टू. कौन सी कंट्री है जिसको स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया गया है? क्रिस्टोफर मार्टिन जिनकिंस स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड इज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग टीम? किस टीम को यह अवार्ड दिया गया है? यस दोस्तों, जल्दी से बताइए. क्रिस्टोफर मार्टिन जिंकिंस स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड हैज बीन कन्फर्म टू विच क्रिकेट टीम? यस, न्यूजीलैंड को यह अवार्ड दिया गया. फाइनल्स के अंदर, वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था बिटवीन न्यूजीलैंड एंड द इंग्लैंड. इंग्लैंड वो मैच जीत गया था, बट द वे न्यूजीलैंड बिहेव, द वे न्यूजीलैंड प्लेड, दैट्स व्हाई दिस अवार्ड और स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ दिस ईयर वॉज गिवन टू द न्यूजीलैंड, वन ऑफ द वेरी गुड टीम, वेरी स्पिरिटेड टीम, एंड दे गॉट दिस अवार्ड. यस, चलो क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं. हु हैज कन्फर्म्ड द विद द इंडियाज फर्स्ट ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन विद 4 stars रेटिंग बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया? किस सिटी को ईट राइट स्टेशन का अवार्ड दिया गया है बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया? इंडिया का पहला ऐसा स्टेशन है जहां पे ईट राइट के ऊपर काम किया जाएगा, हेल्दी फूड के ऊपर काम किया जाता है. कोई बताएगा इसका आंसर, कौन सा स्टेशन है? एंड द अवार्ड इज गिवन बाय FSSAI. Yes, exactly. Game was very, very wonderful game. Yes, answer is Mumbai. Yes, Shivaji Terminals, Mumbai के अंदर जो station है, उस station को ये award दिया गया है, Eat Right Station का. Yes, very good. बहुत बहुत बढ़िया. चलो क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं. हैंड इन हैंड 19 हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? हैंड इन हैंड 19 ये एक्सरसाइज रिसेंटली की गई थी, ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में की गई है, जल्दी से बताइए. यस दोस्तों, बहुत बढ़िया. Yes, कुछ लोग अभी भी वहीं पे फंसे हुए हैं. हु इज द ओनर ऑफ फ्लिपकार्ट? यस तुषार, हाउ आर यू, काफी दिनों बाद. यस यस, आंसर इज चाइना. विद चाइना वी स्टार्टेड दिस हैंड इन हैंड 2019, चाइना के साथ हमने स्टार्ट किया. यस मेघालय के अंदर ये हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं. ओके यस, एब्सोल्युटली राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 31, Who has agreed to invest up to 600 million through the NIIF Master Fund? NIIF, National Infrastructure Investment Fund, नाम का एक मास्टर फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना के रखा है बजट के थ्रू. इस फंड के अंदर 600 मिलियन इन्वेस्ट करने की बात किसने की है? अभी तक इस फंड के अंदर सऊदी अरेबिया, UAE जैसे कंट्रीज ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, एंड रिसेंटली 600 मिलियन डॉलर का बड़ा इन्वेस्टमेंट रिसेंटली किसने करने की बात की हुई है, जल्दी से बताइए. Yes, Canada's pension. Yeah, NIIF is done by the Canada Pension Plan Investor Board. Okay, so NIIF. So इन्होंने किया हुआ है. Yes, so yes, very good. So ये इंडिया का फंड है, याद रखेगा, इंडिया फंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यस रविंद्र, यू आर राइट. द मैक्सिमम शेयर्स ऑफ द फ्लिपकार्ट इज इन द हैंड ऑफ वॉलमार्ट. वॉलमार्ट इज एक्चुअल ओनर ऑफ दिस. बिन्नी ब्रदर्स आर आउट ऑफ दिस नाउ. ओके, और इस क्वेश्चन का आंसर है NIIF. नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड इज इंपॉर्टेंट सो दैट इंडिया में इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्च किया जाए तो गवर्नमेंट को अपने जेब से पैसे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये जो भी फंडिंग हमें बाहर कंट्री से मिल रही है, ये लोग हम लोग यूज करेंगे. ऑपरेशन ट्विस्ट वाला क्वेश्चन शुभम मैंने यहां पे डाला हुआ है, तो जब वो क्वेश्चन आएगा वो टाइम पे मैं आपके साथ 100% डिस्कस करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट. ओके चलो,
यस बताइए वेयर इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैराटाइम हेरिटेज म्यूजियम विल बी सेटअप. इंडिया का पहला मैराटाइम म्यूजियम कहां पे सेटअप किया जा रहा है. चलो कोई बात नहीं. लोथल, लोथल इज द आंसर. यस लोथल इज द प्लेस. लोथल एक और चीज के लिए फेमस है दोस्तों. लोथल के अंदर हमारे यहाँ का जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाला सिस्टम है उसी टाइम में जो एक्सकैवेशन हुए थे वही एक्सकैवेशन की बहुत सारी साइट्स लोथल में भी पाई जाती है. तो लोथल इज एनी वेज फेमस इन इंडिया. सो लोथल के अंदर ही हमने मैराटाइम हेरिटेज म्यूजियम लॉन्च करके रखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ पोर्तुगल. सोनम मैम बहुत बढ़िया, प्रियंका मैम बहुत अच्छा, पोर्तुगल के साथ मिलकर हमने इसको लॉन्च किया हुआ है. बहुत बढ़िया अपडेट. चलो आगे बढ़ते हैं. वेयर डज द 2019 नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन समिट ऑर्गेनाइज. नाटो का समिट एग्जैक्टली कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है कोई बताएगा. नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन इसका समिट 2019 वाला समिट कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था. जल्दी से जल्दी गाइज. यस जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए. मेरे ख्याल से शुभम गेव द आंसर, मनीषा गेव द आंसर, एडवर्ड का आंसर आ चुका है. बहुत बढ़िया. यस आंसर इज लंडन, यूके के अंदर ही ऑर्गेनाइज किया गया था इस साल का. चलो आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल फॉर सेटिंग अप ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एज मैंडेटेड बाय आरबीआई. आरबीआई ने रिसेंटली रूल्स में चेंज किया, उन्होंने रूल्स चेंज किए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए. पहला रूल ये जो चेंज किया है कि अगर किसी को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनानी है तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगा. इसका आंसर कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे दो क्वेश्चंस रहेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के ऊपर. तो मुझे बताइए कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अगर बनानी है तो आरबीआई के हिसाब से रिसेंटली कितना पैसा होना चाहिए आपके जेब में. यस आंसर इज 200 करोड़. विदाउट 200 करोड़ यू कैन नॉट सेटअप अ बैंक, अ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया. एब्सोल्युटली राइट. रिसेंटली आरबीआई चेंज द लॉज. चलो दूसरा क्वेश्चन फिर उसी के ऊपर है. अगर किसी पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होना है तो लाइसेंस के लिए कितने साल काम करना पड़ेगा. अगर किसी पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस चाहिए तो मिनिमम पेमेंट बैंक को कितने साल काम करना पड़ेगा. क्योंकि तो बात यह चल रही थी फिलहाल कि पोस्ट पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट किया जाएगा तो इसलिए दे हैव चेंज द रूल, इसलिए रूल चेंज कर दिया है. बताइए. यस एडवर्ड आपने जो पॉइंट मेंशन किया इसके ऊपर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. बहुत बढ़िया पॉइंट दिया आपने. एफसीआई का फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ओके आपने उसी का पॉइंट मेंशन किया. चलो कोई बात नहीं. यस यस ये भी नया रूल है. अब इसके वजह से जो स्मॉल जो हमारा पोस्ट पेमेंट बैंक है उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. अदरवाइज हम पोस्ट पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करने वाले थे. सो 5 साल मिनिमम ऑपरेशंस दिखाने पड़ेंगे बाद ही में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यस आंसर इज 5 ईयर्स. बहुत बढ़िया सबका सही आया है. बहुत बढ़िया. चलो आगे बढ़ते हैं. हाउ मेनी सिटीज हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. कितनी सिटीज को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में कैलकुलेट करने वाले हैं. यस जल्दी से सेशन लाइक कर दीजिए दोस्तों. लाइक्स थोड़े कम दिख रहे. हाउ मेनी सिटीज हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. कितनी सिटीज को कैलकुलेट किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा. मिनिस्ट्री नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के ऊपर काफी सीरियसली काम कर रही है बिकॉज इंडियन सिटीज की हालत आपको पता है वर्स्ट पोल्यूटेड सिटीज होती है. यस आरबीआई का गेम खेलना तो बनता था. ओके बहुत बहुत बढ़िया किया है आरबीआई ने एक्चुअली. यस आंसर इज 102. सोनम मैम यू आर राइट. 102 के 102 सिटीज है. 102 सिटीज के ऊपर हम लोग फिलहाल काम कर रहे हैं. सुरेश कुमार बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो आप. 102 सिटीज को फिलहाल आइडेंटिफाई किया जा रहा है राइट नाउ. ओके प्रियंका मैम ने ऑब्लिक के साथ आंसर दिया पर आंसर इज 102. ठीक है आगे बढ़ते हैं. चलो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम हैव जॉइंट हैंड्स टू डेवलप गांधीपीडिया. रिसेंटली गांधीपीडिया बनाने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ने किसके साथ ज्वाइन किया है. जल्दी से बताइए. रिसेंटली नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ने किसके साथ टाइप किया हुआ है. यस ये जो ईयर होता है यहां पे कंफ्यूजन हो ही जाता है कोई बात नहीं. चलो बताइए नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम. यस दो आईआईटीज है, दो आईआईटीज है. एक आईआईटी आईआईटी गांधीनगर और दूसरी आईआईटी आईआईटी दूसरी आईआईटी कौन बताएगा मुझे. दो आईआईटीज है, एक आईआईटी गांधीनगर है और दूसरी आईआईटी कौन सी है. जल्दी से आंसर कीजिए. सोनम गेव द आंसर. यस आईआईटी खड़गपुर एंड आईआईटी गांधीनगर. आईआईटी गांधीनगर एंड आईआईटी खड़गपुर दिस टू आईआईटीज टूगेदर दे जॉइन द हैंड्स विद द नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम. ओके इनके साथ हाथ. यस यस एग्जैक्टली आकाश बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया.
ओके चलो कोई बात नहीं. विच स्टेट हैज सेट अप अ 15 एंटी डिप्रिडेशन स्क्वाड्स फॉर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू डील विथ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट. ओके क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना. एंटी डिप्रिडेशन स्क्वाड लिखा है, एंटी डिप्रेशन स्क्वाड नहीं लिखा है, नहीं तो कुछ और ही पढ़ के आओगे. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्क्वाड है, ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के, क्योंकि ह्यूमन बींग्स वाइल्ड लाइफ एरिया में एंटर करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, या कभी कभी एनिमल्स ये घरों पर अटैक करते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए 15 एंटी डिप्रिडेशन स्क्वाड्स को बनाया गया है. कौन से स्टेट ने बनाया, जल्दी से इसका आंसर कीजिए. दोस्तों इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी गांधीनगर याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगा. यस आंसर इज आसाम. आसाम क्रिएटेड सच काइंड ऑफ स्क्वाड जहां पे ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे. चलो क्वेश्चन नंबर 39 पे जाते हैं. इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA हैज साइंड अ MOU with which to spread customer awareness and investor education and reaching out to investors and the stakeholders. बताइए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है. IEPFA इन्होंने रिसेंटली किसके साथ टाई अप किए अवेयरनेस पहुंचाने के लिए, एजुकेशन देने के लिए, कौन से बैंक के साथ टाई अप किए हुए इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ने. कोई आंसर करेगा इसका? यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है. आंसर इज BOB बैंक ऑफ बड़ौदा. SBI नहीं है यहाँ पे, आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा. बहुत बार लग सकता है कि भाई SBI ये काम करेगी, पर थोड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा इस बार बहुत एक्टिव हो चुका है और बहुत सारे ऐसे MOUs बैंक ऑफ बड़ौदा ने साइन किए जहां पे वो सोशल वर्क के अंदर काम कर रहा है. चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 40. विच पोलिस स्टेशन हैव बीन रैंक फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग पोलिस स्टेशन इन द कंट्री. मेरे ख्याल से रितु परना मैम ने इसके पहले ही उसके बारे में जवाब दिया था. ओके बाकी लोग भी जवाब दे दीजिए, हमारे बहुत सारे दोस्त बहुत एडवांस है. ओके तो शी गेव द आंसर इसके पहले ही दे चुका था, जिन्होंने कमेंट पढ़ा होगा उनको याद होगा. विच पोलिस स्टेशन हैज बीन रैंक द फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग पोलिस स्टेशन. यस आज सब लोग पढ़ के आए हुए हैं. एग्जैक्टली यस अबरदीन. अबरदीन विच इज इन अंडमान. अंडमान के अंदर अबरदीन नाम का पोलिस स्टेशन है जिसको बेस्ट परफॉर्मिंग पोलिस स्टेशन का अवार्ड मिला हुआ है. बहुत बढ़िया यस चलो आगे बढ़ते हैं. RBI has made which facility available 24/7 from December 16? 24/7 कौन सी फैसिलिटी को RBI ने अवेलेबल किया है December 16 से, कोई बताएगा? यस जल्दी से. चलो बहुत बढ़िया, इसके पहले वाला आंसर, सबके आंसर आज सही आ रहे हैं, लाइक दैट्स अ ग्रेट थिंग. चलो बताइए क्वेश्चन नंबर 41. RBI ने कौन सी फैसिलिटी को 24/7 अवेलेबल करवाया है फ्रॉम December 16? चाहे छुट्टी रहे कुछ भी रहे ये रहेगा. यस आंसर इज NEFT. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. RBI के कुछ अनाउंसमेंट है और वन ऑफ द वेरी इजी अनाउंसमेंट इज दिस, दैट इज यस वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 42. नाउ ध्यान दो. हु हैज अनाउंस द टू ट्रेन 50,000 एंटरप्रेनर्स फ्रॉम द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर. किसने रिसेंटली अनाउंस किया कि इंडिया के 50,000 स्मॉल माइक्रो और मीडियम इंडस्ट्रीज के इंडस्ट्रियलिस्ट को ट्रेनिंग दी जाएगी, किसके अंडर, कौन ट्रेनिंग देने वाला है, जल्दी बताइए. यस गाइज बोलो. Anyone? Yes, Walmart is the answer. Walmart announced that कि वो इंडिया के MSMEs को वो ट्रेनिंग देने वाला है. Walmart actually creating a good face in India. Walmart is a US brand. Walmart को इंडिया में एंटर करना है फुल फ्लेज में. एंटर करने से पहले Walmart थोड़ा सा CSR कर रहा है, थोड़ा अच्छे बुक्स में आ जाते हैं, सबका दिल जीत लेते हैं. एंड वन ऑफ द थिंग इज दे आर डूइंग ओवर हियर CSR है, बहुत बड़ा CSR है और बहुत इंपॉर्टेंट CSR है, याद रखिएगा. Okay, Walmart is the official owner right now. Is the official owner of, मेरे ख्याल से Flipkart. Okay, sorry, मैं भूल गया था, Flipkart के official owner है. चलो, question number 43. Yes, Akash, इसका भी answer किसी ने दिया था. Yes, right, absolutely right. Okay, चलो बताइए. As per the government, how many worth of loans has been sanctioned under Mudra Yojana? Mudra Yojana के अंदर अभी तक कितना loan sanction किया है? इसका भी question इसके पहले किसी ने दिया हुआ है. फुल फ्लेज नहीं आ चुका है. ओके यस आंसर इज 10 लाख. 10 लाख करोड़ का लोन अभी तक वॉलमार्ट इंडिया में अभी तक 10 लाख करोड़ का लोन मुद्रा योजना के अंदर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. पर फिर भी मुद्रा योजना इज वन ऑफ द बैड योजना, ऐसा RBI का कहना है. ये क्वेश्चन हम पहले ही पढ़ चुके हैं. ठीक है आगे बढ़ते हैं.
चलो इसका बताइए, हु हैज साइंड एमओयू विद सऊदी अरामको फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इकोसिस्टम इन इंडिया ऑयल एंड गैस सेक्टर. ध्यान देना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा. सऊदी अरामको ने रिसेंटली कौन से इंडियन कंपनी के साथ टाइप किया है सो दैट माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को हेल्प हो सके. फॉर दैट रीजन सऊदी अरामको ने किस कंपनी के शेयर्स खरीदे, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा गया होता तो आप वहां पे रिलायंस लिख के आते, पर सऊदी अरामको ने किसके साथ टाइप किया है सो दैट यहां पे डेवलपमेंट किया जाए, तो कंपनी का नाम बताइए. यस, आंसर इज एनएसआईसी. एनएसडीसी नहीं है दोस्त, एनएसआईसी इज द आंसर. ओके, एनएसआईसी के साथ टाइप किया हुआ है. NSDC नहीं है. आंसर इज ए. ए ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यस, एब्सोल्युटली राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 45. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ गवर्निंग बोर्ड ऑफ न्यूज ब्रॉडकास्टर फेडरेशन, ये बता दीजिए. यस, विक्रम ने, विक्रम, यस एब्सोल्युटली राइट. NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन. सुरेश ने सही आंसर दिया है, सोनम का भी सही आंसर आया. NSDC लग सकता है, थोड़ा सा दिक्कत जाती है. ओके, कोई बात नहीं. किस कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो रिलायंस के खरीदे, जो एडवर्ड और निकेत ने यहां पे मेंशन किया. बहुत बढ़िया. चलो मुझे बताइए, नेशनल ब्रॉडकास्टर फेडरेशन के हेड कौन है, नए पहले प्रेसिडेंट कौन है? यस, अर्नब गोस्वामी. पता नहीं वहां पे भी चिल्लाने वाला है भाई साहब. ओके, ही इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ द न्यूज ब्रॉडकास्टर फेडरेशन. इंडिया में पहली बार अथॉरिटी बनाई गई है एंड ही इज द न्यू हेड ओवर देयर. ओके, बस चिल्लाए ना वहां पे, बहुत हो गया. चलो क्वेश्चन नंबर 46. विच सिटी हैज बीन सिलेक्टेड एज द वर्ल्ड्स लीडिंग स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन एट द 26th एडिशन ऑफ वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड. देखिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना. वर्ल्ड्स लीडिंग स्पोर्ट्स टूरिज्म, के स्पोर्ट्स टूरिज्म की बात की है तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सॉरी, यस आंसर कीजिए इसका. वर्ल्ड्स स्पोर्ट्स टूरिज्म, यस आंसर इज अबू धाबी. अबू धाबी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. आयरन यूनियन 12, अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द ग्राउंड फोर्सेस ऑफ द यूएई एंड विच कंट्री. आयरन यूनियन 12 नाम की एक्सरसाइज रिसेंटली न्यूज में चल रही थी बिटवीन यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड विच कंट्रीज ग्राउंड फोर्सेस टूगेदर क्रिएटेड आयरन यूनियन 12. कोई बताएगा? और ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा मैटर करेगी. पूजा मैम, अगर वहां पे स्पोर्ट्स नहीं लिखा होता तो हम शायद यहां पे केरला मार्क कर देते थे. चलो बताइए. यस 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 यस. शुभम, साहिल, अरविंद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. यूएस, विथ यूएसए एंड यूएई टुगेदर स्टार्टेड दिस एक्सरसाइज. जो ईरान का कंडीशन अब फिलहाल चल रहा है उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ये एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, बिकॉज यूएई एंड यूएसए दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स. आगे बढ़ते हैं. चलो, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ 45 न्यू फास्ट ट्रैक कोर्ट. किस स्टेट के अंदर इंडिया में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा रहे हैं, वो भी 45. अगर ये 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट उस स्टेट के अंदर बनते हैं तो उस स्टेट के हाई कोर्ट का बर्डन बहुत कम हो जाएगा, लिटरली 60-70% से कम हो जाएगा. तो ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा रहे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए. यस दोस्तों, हम लगभग हाफ मार्क तक पहुंच चुके हैं. यस, 48th क्वेश्चन हमारा चल रहा है. यस, आंसर इज ओडिशा. ओडिशा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही आ रहा है. ओडिशा इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आल्सो. 45 न्यू फास्ट ट्रैक कोर्ट्स दे आर सेटलिंग अप. चलो क्वेश्चन नंबर 49 पे जाते हैं. विच कंट्री हैज बीन बैंड बाय द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी फॉर 4 years फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट. यस, इसका आंसर तो मेरे ख्याल से हर कोई देने वाला है. कौन सी कंट्री जिसके ऊपर बैन लगाया गया है कि वो स्पोर्टिंग इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री? यस, जल्दी बताइए. यस, 218 यूपी के अंदर है, पर यूपी के अंदर के काम तो करने चाहिए. एक बार बैन हट जाए यूपी से, फिर काम करेंगे. यस, आंसर इज रशिया. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, आंसर इज रशिया. इसका आंसर तो कोई गलत नहीं करने वाला, सब लोग सही जाएंगे. चलो, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 19? ओके, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 19 में इंडिया का रैंक क्या है, कोई बताएगा? यस, एनीवन. क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स अभी अभी आया है. ओके, उसमें इंडिया का रैंक कहां पे है? यस,
यस एडवर्ड, आप मेरे क्वेश्चंस खराब कर दो बस, के पहले ही आंसर कर दो आप लोग. अमित एडवर्ड, कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर दे दो. यस, इंडिया रैंक इज 9th. इंडिया का रैंक 9th है. 2018 में इंडिया का रैंक 11 था, इस बार थोड़ा इंडिया इंप्रूव कर गया और इंडिया रैंक इज 9th. ओके, वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते. चलो आ गया, आपने ऑलरेडी आंसर दे ही दिया था, सरन्या ने आंसर दिया था, एडवर्ड ने आंसर दिया था, ऑलरेडी आप लोगों आंसर दे चुके हैं कि हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एंटी डोपिंग एजेंसी. इंडिया के एंटी डोपिंग एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? के मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आंसर इज सुनील शेट्टी, एवरीवन नोज अबाउट दैट. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. विच कंट्री टॉप द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 19? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे टॉप मोस्ट कंट्री कौन सी है, जल्दी से बताइए. हाँ, 100 क्वेश्चन क्यों नहीं होंगे भाई, 52 क्वेश्चन हो चुके हैं के अभी तक, एक घंटा भी नहीं हुआ और हमने 52 क्वेश्चंस कवर अप कर लिया है. सो वी आर हैविंग वेरी गुड स्पीड. चलो इसका आंसर कर दो, विच कंट्री टॉप द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019. चलो हो गया, सुनील शेट्टी से बाहर निकलिए. आंसर इज नॉर्वे. नॉर्वे इज द कंट्री जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे टॉप मोस्ट है. चलो मेरा क्वेश्चन अभी आप लोगों को ये है, इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट में कहां रैंक करती है? के जल्दी से इंडिया का रैंक बता दीजिए. टॉप मोस्ट कंट्री इज नॉर्वे. टेल मी द इंडियाज रैंक. इंडिया कहां पर रैंक करती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर? यस 129. इंडियाज रैंक इज 129. इंडिया का रैंक थोड़ा डिग्रेड हुआ है, इसलिए शायद इंडिया के रैंक को लेकर क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बिकॉज जब हमारा रैंक डिग्रेड होता है या थोड़ा कम होता है तो नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, रेयरली आते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. विच कंट्री इज टॉप रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन सी कंट्री बेस्ट है? ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, अभी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं. क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन है? नहीं, मेरे पे मत ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो. चलो बताइए, टेल मी. लास्ट वास की लास्ट के तरफ मत ध्यान दिया कीजिए दोस्तों, लास्ट में अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा टॉप पे ध्यान दीजिए, ज्यादा बेटर है. यस, विच कंट्री? यस, आंसर इज स्वीडन. फिर से, यस आंसर इज स्वीडन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो. वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. Who has become the first player in India, Indian cricket, to play 150 Ranji matches? कौन सा इंडियन प्लेयर है जिसने 150 रणजी मैचेस खेले हुए हैं? इज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर, अ लेजेंडरी प्लेयर के अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल पे वो इतना नाम नहीं कमा पाए, पर नेशनल में वो बहुत लेजेंडरी प्लेयर है, तो उनका नाम बताइए जल्दी से. यस दोस्तों, यस ग्रेटा थनबर्ग, एब्सोल्युटली राइट. चलो इसका आंसर, साहिल गेव द आंसर, अरविंद का आंसर आ चुका है. यस, वसीम जाफर, वन ऑफ द वेरी लेजेंडरी प्लेयर ऑफ इंडिया. मुझे बताइए, वसीम जाफर इज अपॉइंटेड एज अ बैटिंग कोच ऑफ विच टीम? किस टीम के बैटिंग कोच करके उनको अपॉइंट किया गया है? जल्दी से कोई आंसर करेगा. यस, राइट नाउ वसीम जाफर इज प्लेइंग फॉर द विदर्भा टीम. पहले मुंबई से खेलते थे, बट राइट नाउ ही इज प्लेइंग फॉर द विदर्भा टीम. यस, वो विदर्भा टीम के लिए फिलहाल खेलते हैं, रणजी के लिए. ओके, चलो आगे बढ़ता क्वेश्चन नंबर 55 पे. वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिक कमर्शियल एयरक्राफ्ट टुक इट्स इनॉग्रल टेस्ट फ्लाइट इन विच कंट्री? दुनिया का पहला फुल्ली इलेक्ट्रिक कमर्शियल एयरक्राफ्ट ने रिसेंटली अपना टेस्ट फ्लाइट किस कंट्री में किया? नहीं, नॉट मुंबई इंडियंस, ही इज फॉर मेरे ख्याल से पंजाब, किंग्स इलेवन पंजाब ने उनको हायर किया हुआ एज अ बैटिंग कोच. विदर्भा के लिए खेलते हैं, पहले मुंबई के लिए खेला करते थे, के वन ऑफ द वेरी फेमस प्लेयर. चलो इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए. वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिक कमर्शियल एयरक्राफ्ट टुक इनॉग्रल टेस्ट फ्लाइट इन कनाडा. यस, आंसर इज कनाडा ऑफ दिस क्वेश्चन. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, यस आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 56. द पिना का अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम हैज मैक्सिमम रेंज ऑफ? रिसेंटली पिना का जो हमारा रॉकेट है उसका टेस्ट फायरिंग किया गया, तो पिना का सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेंज क्या है? इसका आंसर कोई करेगा जल्दी से? चलो, यस दोस्तों फास्ट. पिना का जो हमारा रॉकेट लॉन्चर है, बैरल है, इसका मैक्सिमम रेंज क्या होता है? अभी उसका टेस्ट फायरिंग किया गया, तो मैक्सिमम रेंज ऑफ पिना का 2, पिना का 1 और पिना का 2, हमारे पास दो है. पिना का 1 का रेंज
यस, पिनाका वन का रेंज है 50 किलोमीटर और पिनाका टू का रेंज है 75 किलोमीटर. बहुत बढ़िया. ओके, दैट्स वेरी गुड. अरविंद, विक्रम, अमित, प्रियंका, शुभम, बहुत बढ़िया. ओके, 50 किलोमीटर तो पिनाका वन का रेंज था, पिनाका टू का रेंज है 75 किलोमीटर. बहुत बढ़िया. चलो आगे जाते हैं. Which of the following country has recently announced the setting up of Gandhi's Citizenship Education Prize in order to promote Gandhi's ideals? Gandhi ji ke ideas ko promote karne ke liye kis country ne recently unke naam pe education award launch kiya hai? Jaldi se answer kar dijiye. Yes, ye question tricky banega, ye question bahut important banega. Already we are on the 57th question. Okay. मेरे क्लास का टाइमिंग फिक्स नहीं होता है शुभम, फ्रैंकली स्पीकिंग. ओके, आपको हमारा चैनल फॉलो करना पड़ेगा, टाइमिंग का थोड़ा इशू है. यस यस, आंसर इज पोर्तुगल. पोर्तुगल इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इंडिया भी थोड़ा सीख ले, बाहर की कंट्रीज ज़्यादा फॉलो कर रही है हमें. चलो कोई बात नहीं. नेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट ग्रांटेड एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल टू अमेंड द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन. द नोटिफिकेशन विल एक्सटेंड BEFR टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये CAA को ध्यान में रखते हुए बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के नॉर्म्स चेंज किए. अब ये जो रूल है कि थोड़े इलीगल माइग्रेंट्स को लेके जो रूल है, ये कौन से स्टेट तक जाएगा, कहां तक ये अप्रोच कर सकता है. बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन वेस्ट बंगाल में पहले से लगा हुआ था अरविंद, वेस्ट बंगाल में पहले से लगा हुआ था. क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अभी ये एक्सटेंड कहां करेगा. दोस्तों अभी एक्सटेंड करेगा मणिपुर में. क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो. आपने बंगाल देख के वेस्ट बंगाल मार्क कर दिया, मुझे लगा था आप लोग ये गड़बड़ करोगे. क्वेश्चन वैसा नहीं है, ये ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में लगा हुआ है, आसाम में लगा हुआ है. अभी इसको एक्सटेंड कर दिया हमने मणिपुर तक. अभी मणिपुर के अंदर भी ये रूल इंप्लीमेंट किया जाएगा जहां पे हम एंटर नहीं कर सकते. नो, विक्रम, क्वेश्चन में हिंट नहीं थी. ओके, क्वेश्चन में बिल्कुल हिंट नहीं थी, क्वेश्चन एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट था. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. Which of the following is the only country in the world has a hypersonic weapon? ये इजी है, यहां पे कोई गलती नहीं करेगा. Okay. Which of the following is the only country in the world has a hypersonic weapon? चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर तो सभी को पता होगा, इसका आंसर तो कोई गलत नहीं करेगा. यस, आंसर इज रशिया. जहां जहां पे रशिया था वो सारे क्वेश्चंस इजी थे, यहां पे आंसर है रशिया. यस यस, वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते. क्वेश्चन नंबर 60, हु वाज बाबा रामदास रिसेंटली सीन इन न्यूज. रिसेंटली बाबा रामदास नाम के एक सज्जन थे जिनकी जिनकी डेथ हो गई. ओके, तो ये एग्जैक्टली कौन थे, कोई बताएगा? यस दोस्तों, जल्दी से. क्या बात है, रशिया जब भी आता है सबके आंसर आ जाते हैं. बहुत ही प्यार है रशिया से आप लोगों को. चलो जल्दी से बताइए इसका आंसर. यस, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताइए, बाबा रामदास. के ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बन सकता है ऐसा मुझे लग रहा है. यस, आंसर इज ए, पायोनियर ऑफ द यूएस साइकेडेलिक मोमेंट जिसको हम लोग कहेंगे. दोस्तों ये भाई साहब फेमस तो थे एक वहां पे, क्या कहेंगे हम लोग, योगा गुरु नहीं थे ये, लोगों को नॉर्मली प्रवचन देते थे. तो वन ऑफ द वेरी फेमस बाबा फ्रॉम द USA. ही स्टार्टेड द कल्चर ऑफ टेकिंग ड्रग्स. वो जो ना ड्रग्स लेके अपने ट्रांस फेज में जाना, ये कल्चर, ये मूवमेंट यूएस में इन्होंने स्टार्ट की थी. बहुत दिन ये जेल में भी थे, योगा गुरु नहीं थे. योगा गुरु होते तो हम लोग ठीक है तारीफ करते, बट ही वॉज यूएस के साइकेडेलिक मूवमेंट, LSD जिसको हम लोग कहते हैं, ऐसे ड्रग्स इन्होंने सबसे पहले अपने अनुयायी को देना शुरू कर दिया और बाद में वो प्रवचन देते थे ट्रांस फेज में जाने के लिए. सो ही वॉज नॉट दैट फेमस. ओके, चलो आगे जाते. क्वेश्चन नंबर 61, रोहतांग पास इज अ हाई माउंटेन पास कनेक्ट्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज. चलो सबका देख के मार्क मत करो, सबका देख के मार्क करोगे तो वही गलती होगी. रोहतांग पास कहां से कहां कनेक्ट करता है? नहीं शुभम, आप आंसर्स अच्छे दे रहे हो, आप सिलेक्ट हो जाओगे, देर इज नो नीड. ओके, यस ऋतुपर्णा, गोची, या यू कैन से दैट के नेटफ्लिक्स ज्यादा देख लिया आपने. यस, कुल्लू टू लाहुल एंड सिफ, कुल्लू विद द लाहुल एंड सिप्ती. यस एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट, आंसर इज ए. ओके, रिसेंटली वहां पे हमने
टनल बनाई हुई है अटल जी के नाम पे. ओके सो याद रखना रोहतांग पास. चलो आगे क्वेश्चन नंबर 62. What is Article 6 of the Paris Agreement recently in news? India में Paris Agreement का Article 6 के ऊपर discussion चल रहा था. Environment Ministry discuss कर रही थी. तो ये Article 6 क्या है Paris Agreement का? This is difficult question. Yes, now it is called as Atal Tunnel. Very good, very good, very good, Shubham. चलो बताइए. Article 6 of the Paris Agreement. आधा घंटा. चलो इसका आंसर कर दो. नो, आंसर इज दिस. प्रोविजंस रिलेटिंग टू सेटिंग अप ऑफ द न्यू कार्बन मार्केट. यस, इंडिया में बहुत सीरियसली हम लोग सोच रहे हैं. ऑलरेडी गुजरात गवर्नमेंट ने इसने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया कि हम लोग इंडिया में कार्बन मार्केट डेवलप करेंगे. कार्बन मार्केट का मतलब क्या होता है कि जो कार्बन का एमिशन कम करेगा उसको पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे. सो दे कैन सेल दोस पॉइंट्स टू सम अदर कंपनीज जो ज्यादा कार्बन एमिट करती है. तो अभी इंडिया में कार्बन जो एमिशन है, कार्बन एमिशन का परचेसिंग और सेलिंग चलेगा. और इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री जिसने लीड करते हुए इस कंसेप्ट को इंडिया में इंप्लीमेंट करने की बात की हुई है. गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट जो शायद इसे इंप्लीमेंट करेगा, न्यू कार्बन मार्केट. ये न्यूज में चल रहा था, मुझे पता था थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, पर याद रखिएगा. आयुष, एक्चुअली आई विल आंसर दिस क्वेश्चन. पहले ये इनको करते हैं. आयुष, मैं आपके क्वेरी को कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, ठीक है? चलो इसके ऊपर बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 63, जल्दी बताइए दोस्तों. सेशन लाइक करो यार, ऑलरेडी 60 लोग देख रहे हैं और सेशन सिर्फ 53 लोगों ने लाइक किया हुआ है, अच्छा नहीं लगता. चलो जल्दी से बताइए. हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वन द DSC प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर 19 फॉर हिज 18 नॉवेल कॉल्ड एज हाफ द नाइट इज गॉन. हाफ द नाइट इज गॉन इस नॉवेल के लिए किसको साउथ एशिया लिटरेचर का अवार्ड मिला है? यस, अमिताभ बागची. एब्सोल्युटली राइट, अमिताभ बागची, ही गॉट दिस अवार्ड फॉर हिज नॉवेल कॉल्ड एज हाफ द नाइट इज गॉन. याद रखना, अगेन द क्वेश्चन कैन बी आस्क. बहुत बढ़िया, इसमें सबका आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया. चलो क्वेश्चन नंबर 64 आपके स्क्रीन के ऊपर है. Who among the following found the debris of Indian Space Research Organization Vikram Lander which was dispatched in Chandrayaan 2? Chandrayaan 2 का एक बहुत बड़ा धक्का पूरे इंडिया को लगा हुआ था. विक्रम लैंडर, ये क्रैश हो गया था, क्रैश लैंडिंग हो गई थी, पर इसके डेब्रीज किस बंदे ने ढूंढ के निकाले? उनका नाम बता दीजिए. ओके, इस बंदे की काफी तारीफ की गई है, तो जल्दी से इनका नाम बता दीजिए. चलो जल्दी से इसका आंसर बता दो. क्वेश्चन नंबर 64. यस, शुनमुगा सुब्रमण्यम. ओके, इज फ्रॉम तमिलनाडु, चेन्नई से बिलोंग करते हैं. तमिलनाडु में, चेन्नई में आईटी में जॉब करते हैं. बट ही क्रिएटेड द सिस्टम एंड ही फाउंड आउट कि कहां पे एग्जैक्टली डेब्रिज गई, एंड विच वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. चलो आगे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 65. वॉट इज द स्ट्रैंड हॉग रिसेंटली सीन इन न्यूज? ओके ऋतुपर्णा मैम, आपने ढूंढ के निकाला. चलो, वॉट इज द स्ट्रैंड हॉग रिसेंटली सीन इन न्यूज? रिसेंटली स्ट्रैंड हॉग नाम का एक कंसेप्ट न्यूज में चल रहा था. यस, ही इज फ्रॉम चेन्नई, चेन्नई से बिलोंग करते हैं. मदुराई से वो प्रॉपर है, पर तमिल चेन्नई के अंदर वो जॉब करते हैं. यस, वॉट इज द स्ट्रैंड हॉग रिसेंटली इन न्यूज? कोई बताएगा स्ट्रैंड हॉग क्या है? स्वीटी का आंसर आया हुआ है मेरे ख्याल से. स्वीटी गिव द आंसर. बग इन द एंड्रॉइड. यस, आंसर इज बग इन द एंड्रॉइड. आयुष, आपको चैनल फॉलो करना पड़ेगा फॉर माई लेक्चर्स. देर इज नो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, आपको चैनल फॉलो करना पड़ेगा आयुष. ओके, कल 12 बजे मेरा लेक्चर रहेगा फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेके, कल 12 बजे. और 3 बजे दोस्तों हमारा मॉक टेस्ट रहेगा IBPS क्लर्क का, याद रखिएगा. यस, स्ट्रैंड हॉग इज अ बग इन द एंड्रॉइड एप्लीकेशन. एब्सोल्युटली राइट. क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं. द माओरी आर द इंडिजीनियस पॉलिनेशियन पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? रिसेंटली दोस्तों एक कंट्री के अंदर बिकॉज ऑफ क्या कहेंगे हम लोग, वॉल्केनो की वजह से कुछ लोगों को मूव करना पड़ा है अपनी लोकल स्पेस से, अपनी प्रॉपर प्लेस से. तो वो माओरी लोग हैं, वो एग्जैक्टली किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए. यस, फ्रॉम विच कंट्री दिस पीपल आर मूविंग? कौन से कंट्री के लोग हैं जिनको थोड़ा मूव होना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ वॉल्केनो?
Yes, answer is New Zealand. New Zealand is the answer. Already Australia mein aag lagi hui hai, jahan pe kaafi animals, near about more than 60-70% animals ki death ho chuki hai Australia mein. To usi ke bagal mein country hai New Zealand, jahan pe volcano ke dar se ek particular indigenous logo ko move karna pad raha hai. Bahut badhiya, kaafi logon ne sahi answer kiya. Answer is New Zealand of this question. Question number 67 pe jaate hain. Who among the following is popularly known as a plogman of India? India ke plogman karke award recently kis Indian ko mila hai? India's plogman. Plogman ka matlab dosto ye hota hai ki ye banda running ye kam se kam 50 cities mein ghum rahe plus saath mein Swachh Bharat abhiyan. So Fit India movement plus Swachh Bharat abhiyan dono ko mila ke ye India ke 50 cities mein jaake cleanliness ke upar kaam kar rahe. Jaldi se batayega iska answer ki India's plogman. या प्लोगमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? यस, रिपुदमन बेवली. रिपुदमन बेवली दिल्ली का बंदा है के ये और इनके साथी नो मिलके 2017 में एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, फिट इंडिया मूवमेंट प्लस स्वच्छ भारत अभियान दोनों को मिला के, और नियर अबाउट 50 सिटीज में जाके काम करते हैं, कॉल्ड एज अ प्लोगमैन ऑफ इंडिया. चलो क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं जल्दी जल्दी. अकॉर्डिंग टू द स्टडी पब्लिश इन द जनरल जर्नल ऑफ द एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फास्टेस्ट विजन इन द एनिमल किंगडम? एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा विजन किसका होता है, किस बर्ड का होता है? यहां पे सारे बर्ड्स के नाम लिखे हुए, तो किस बर्ड का विजन सबसे फास्टेस्ट या सबसे क्लियर होता है? के ऊपर जो लिखा गया है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है, डायरेक्टली नीचे का बताइए. यस दोस्तों जल्दी. यस, इसका आंसर दीजिए. विच बर्ड हैविंग द फास्टेस्ट विजन? यस, फाल्कन. यस, द पेरेग्रीन फाल्कन. पेरेग्रीन फाल्कन इज द नेम ऑफ द बर्ड हैविंग द फास्टेस्ट विजन. ओके, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं है. मुझे लगा था बहुत लोग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. आंसर इज ए. ओके, याद रखिएगा, दिस इज द फास्टेस्ट विजन. हमारे इसमें फास्टेस्ट विजन अरविंद का है बाय द वे. ओके चलो कोई बात नहीं, आगे जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डे वॉज विंटर सॉलिस्टाइस द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? जल्दी से इसका आंसर कीजिए. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे किस दिन पे होता है? यस, जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 69 बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये बचपन वाला क्वेश्चन है. यस, आंसर इज December 22nd. December 22nd इज कॉल्ड एज अ शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70. नहीं, इसके बाद कोई क्लास नहीं होगी, इसके बाद कोई क्लास नहीं है. ओके, व्हाट इज फ्लश सीजन फॉर मिल्क रिसेंटली सीन इन न्यूज? ओके, फ्लश सीजन फॉर मिल्क क्या होता है, कोई बताएगा इसका आंसर? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. फ्लश सीजन फॉर मिल्क क्या होता है? चलो बताइए. फ्लश सीजन फॉर द मिल्क क्या होता है बोलो. This is very interesting question because right now India is facing the flush season for the milk. India flush season feel कर रहा है regarding milk. Anyone? Edward ने कहा skip करते, सुरेश ने कहा skip करते, स्वीटी. चलो जल्दी 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 answer करो. Answer is A. देखो आंसर ए है. व्हेन द प्रोडक्शन बाय द एनिमल्स गोज अप ड्यू टू द बेटर फॉडर एंड द वाटर अवेलेबिलिटी बिसाइड लोअर टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी नॉर्मली इन द अक्टूबर टिल द मार्च. ओके, एनवायरमेंट कंडीशन अच्छी नहीं है फिर भी पानी का अवेलेबिलिटी है और फॉडर अच्छे तरीके से मिल रहा है इसलिए एनिमल्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है या मिल्क प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ऐसे टाइम को हम लोग कहते हैं फ्लश सीजन फॉर द मिल्क. दिस ईयर वॉज द फ्लश सीजन फॉर द मिल्क फॉर इंडिया. इंडिया के लिए बहुत अच्छा था तो बहुत ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन हुआ है, इसके वजह से मिल्क के रेट्स थोड़े से कम हो गए और फार्मर का थोड़ा नुकसान हो रहा है. सो दिस इज द आंसर, आंसर इज ए. चलो 30 क्वेश्चन बचे हुए, जल्दी फिनिश करते हैं. ध्यान दीजिए. Which of the following organization has recently promised to bring law binding on all members of the countries to ensure become the climate neutral by 2050? Kis country ne recently law implement kiya hai climate neutral banane ke liye 2050 tak? So kaun si country 2050 tak climate neutral banegi, iska answer kar dijiye. Yes, actually jo iske pehle wala question tha, question number 70, was a logical question, bahut logical question tha. Okay, तो अगर आपने ढंग से पढ़ा तो उसका आंसर आ जाएगा, स्किप ही करते हो तो कोई इशू नहीं है. यहां पे बताइए क्लाइमेट न्यूट्रल बाय 2050 करने का बात किसने की है, कौन किसने ये इंप्लीमेंट किया है?
यस आंसर इज यूरोपियन यूनियन. एब्सोल्युटली राइट, यूरोपियन यूनियन ने किया. और यस शुभम बहुत अच्छा अपडेट दिया आपने, पोलैंड ने रिफ्यूज किया कि पोलैंड का कहना है कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बट यूरोपियन यूनियन इज द आंसर. यस व्हाट इज फॉरेस्ट डायबैक रिसेंटली सीन इन न्यूज. फिलहाल एक फॉरेस्ट डायबैक नाम का कंसेप्ट चल रहा है न्यूज में. ये फॉरेस्ट डायबैक क्या होता है कोई बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट डायबैक? यस जल्दी फास्ट. फॉरेस्ट डायबैक फिलहाल न्यूज में चल रहा था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट डायबैक? यस इसका आंसर कर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 72. रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा. स्किप करने से पहले आप थोड़ा चांस ले सकते हो. आंसर इज ए. ए इज द आंसर. इट रेफर्स टू द फिनोमिनन ऑफ अ स्टैंड ऑफ अ ट्री लूजिंग हेल्थ एंड डाइंग विदाउट एनी ऑब्वियस कॉज. ओके, बिना किसी कॉज के अगर वो ट्री अपना लाइफ लीव कर देता है या उसकी डेथ हो जाती है उस ट्री की, तो उसको फॉरेस्ट डायबैक कहते हैं. ओके, विदाउट एनी रीजन. अगर रीजन है तो हम समझ सकते हैं. इसका आंसर ए है दोस्तों. ए इज द आंसर. ओके, ये कोई हार्वेस्टिंग टेक्निक नहीं है. आंसर इज ए ऑफ दिस क्वेश्चन. याद रखना ये थोड़े एनवायरमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा. चलो क्वेश्चन नंबर 73. नाउ अना ये क्वेश्चन एक्चुअली जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज डाला गया है. क्वेश्चन नंबर 73. क्वेश्चन नंबर 73 अच्छे से पढ़िएगा. व्हाट इज द कैम्ब्रिज फाइव? कैम्ब्रिज फाइव रिसेंटली न्यूज में चल रहा था. कैम्ब्रिज फाइव क्या होता है जल्दी से बताइए. इसको लेके काफी डॉक्यूमेंट्रीज काफी मूवीज बनाई जा रही है और ये बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है फिलहाल. कैम्ब्रिज फाइव इंडिया का कंसेप्ट नहीं है, बट ऑब्वियस है इंडिया से कोई लेना देना नहीं है. पर ये कैम्ब्रिज फाइव क्या है जल्दी बताइए. यस क्वेश्चन नंबर 73. एनीवन? यस, कैम्ब्रिज फाइव इज दिस केजीबी ग्रुप ऑफ ब्रिटिश स्पाइज हु पास द इन्फॉर्मेशन टू सोवियत यूनियन. जब यूएसएसआर था, रशिया का पहले नाम यूएसएसआर था, तब उनके पास जो उनका ग्रुप है इसको केजीबी कहते हैं. जो उनका इन्वेस्टिगेटिंग ग्रुप था उन्होंने अपने स्पाय ब्रिटिश में भेजे हुए थे, ब्रिटेन में भेजे हुए थे, उसको कैम्ब्रिज फाइव कहते हैं. ओके आगे बढ़ता हूँ. क्वेश्चन नंबर 74 इसका आंसर कर दीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च मिलिट्री स्पेस फोर्स? ओके एडवर्ड भाई ऐसा नहीं, एबीसीडी ऐसा नहीं दोस्त. के ध्यान से पढ़ो, आ जाएगा आंसर एडवर्ड. के बी पेशेंट. के विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द मिलिट्री स्पेस फोर्स? मिलिट्री स्पेस फोर्स रिसेंटली किस कंट्री ने लॉन्च किया? यस एग्जैक्टली, बी और सी तो अलग ही जा रहा था, कोई इश्यू ही नहीं. इसका आंसर कर दीजिए. साहिल ने आंसर दिया मेरे ख्याल से. यस यस यस, व्लादिमीर पुतिन वॉज अ मेंबर ऑफ केजीबी. यस आंसर इज यूएसए. स्पेस फोर्स रिसेंटली जिन्होंने लॉन्च किया वो आंसर है यूएसए. यस आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 75. हार्डली 25 क्वेश्चन बचे हुए, जल्दी जाते हैं. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम इज एन इनिशिएटिव ऑफ. रिसेंटली प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम लॉन्च किया गया. ये प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम एग्जैक्टली किसने लॉन्च किया जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? के चलो जल्दी आंसर कर दो. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम. यस प्रीतम का आंसर आ चुका है, स्वीटी का आंसर आ चुका है, दोनों का कहना है डी. यस प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंदर दोस्तों ये होता है कि जितनी माइनॉरिटी कम्युनिटीज है इंडिया में उनको उनको अवेयर किया जाएगा या उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि उनको हर चीज की सुविधाएं मिले. सो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम इज फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटीज लिविंग इन इंडिया सो दैट उनको अवेयरनेस प्रोवाइड किया जाएगा. सो आंसर इज डी ऑफ दिस क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स. ओके चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के ऊपर. इसका आंसर तो हर कोई देने वाला है, इसका आंसर कोई गलत नहीं करेगा. रिसेंटली सीन इन न्यूज, सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी का सेक्शन 144 न्यूज में चल रहा है. तो सेक्शन 144 किस चीज के लिए होता है जल्दी से बताइए. सेक्शन 144. यस जल्दी गिव मी द आंसर. मेरे ख्याल से स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन बहुत ईजी थे, अभी के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट बनते जा रहे के आंसर कम आ रहे. के शायद आपने आधा ही डिसंबर मंथ पढ़ लिया क्या? चलो बताओ सेक्शन 144 इसका आंसर तो सब लोग देंगे. यस शुभम, अमित, साहिल सबने आंसर दिया एग्जैक्टली. सेक्शन 144 इतना न्यूज में चल रहा था कि जितना मोदी साहब नहीं चल रहे थे. सो यस अनलॉफुल असेंबली के लिए इसको यूज करते हैं. एंड यूपी के अंदर पूरे स्टेट के अंदर हमने 144 लगा के रखा हुआ था. यस आगे जाते हैं.
The Panna Mukta oil field consists of two contiguous offshore oil and gas fields in the ये कौन से सी में पन्ना मुक्ता ऑयल फील्ड ये कौन से सी में पाया जाता है इंडिया का ऑयल फील्ड है एग्जैक्टली किस सी के अंदर है पन्ना मुक्ता ऑयल फील्ड जल्दी से बताइए यस गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फास्ट क्वेश्चन नंबर 77 मैं कहीं नहीं यार मैं तो वहीं से पूछ रहा हूं जहां से नॉर्मली आता है Yes, answer is Arabian Sea. Very good, very good. Okay, answer is Arabian Sea. Arabian Sea के अंदर पन्ना मुक्ता oil field है. Yes, exactly. Yes, yes. Very good, very good. चलो आगे बढ़ते हैं. The Silver Line project recently seen in news is a proposal of which of the following state government? Silver Line project ये recently news में चल रहा था. ये किस state का project है? जल्दी. Silver Line project. चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 78 सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट बिलोंग्स टू विच स्टेट कौन से स्टेट से बिलोंग करता है यस यस जॉनाथन जॉनाथन वेरी गुड यार बहुत बढ़िया आंसर इज केरला दिस प्रोजेक्ट बिलोंग्स टू केरला केरला लॉन्च दिस प्रोजेक्ट रिसेंटली ओके यस नो 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 नॉट तमिलनाडु द सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट बिलोंग्स टू केरला केरला लॉन्च दिस प्रोजेक्ट ओके फॉर द डेवलपमेंट पर्पजेस दे लॉन्च दिस प्रोजेक्ट स्वीटी कुमारी बहुत बढ़िया ओके सो यहां पे सिर्फ दो लोगों ने आंसर दिया हुआ है यार के ये तो गलत है आप कॉपी पेस्ट मत करो बाकी लोगों के आंसर्स यू हैव टू थिंक अबाउट द आंसर आल्सो सो आंसर इज बी केरला विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री अप्रूव्ड द ड्राफ्ट बिल बैनिंग कंजर्वेशन थेरेपीज डिजाइन टू फोर्स हेट्रोसेक्सुअलिटी ऑन होमोसेक्सुअल्स जितने भी होमोसेक्सुअल्स हैं के ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पर्पस के लिए लॉन्च किया गया है एजुकेशन इज द फोकस एंड द हाउसिंग डेवलपमेंट इज ऑल्सो द फोकस ऑफ दिस प्रोजेक्ट ओके दो फोकस से इसको लॉन्च किया गया है चलो नाउ कौन सी कंट्री जहां पे होमोसेक्सुअल्स को हेट्रोसेक्सुअल बनाने के लिए जबरदस्ती की जा रही है और जिसको बैन करने के लिए बिल बनाया गया है कि कोई भी ऐसा जबरदस्ती नहीं करेगा तो विच कंट्री लॉन्च और विच कंट्री क्रिएटेड द बिल जहां पे होमोसेक्सुअल पे जबरदस्ती की जा रही है ताकि वो हेट्रोसेक्सुअल बनाया जाए तो कौन सी कंट्री जिसने अच्छा बिल पास किया है आंसर इज जर्मनी वेरी गुड अमित अमित बहुत बढ़िया आंसर इज जर्मनी जर्मनी के अंदर थोड़ा गलत काम हो रहा था सो उसको रोकने के लिए बिल लॉन्च किया गया है चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 हार्डली 20 क्वेश्चन बने हैं बचे हैं हमारे व्हाट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज ऑपरेशन ट्विस्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज ओके इसका आंसर कर दो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन के अंदर अकॉर्डिंग टू मी ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है इसका आंसर कोई कर दो यस दोस्तों जल्दी चलो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है दोस्तों आरबीआई ने रिसेंटली बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए उसमें से एक अनाउंसमेंट है ऑपरेशन ट्विस्ट का सीन ये होता है दोस्तों कि जहां पे ओपन मार्केट ऑपरेशन का टूल जो मॉनेटरी पॉलिसी में यूज करते हैं उसको यूज किया जाएगा के जिसके भरोसे आरबीआई क्या करेगी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स बेच रही है कुछ लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स बेच रही है और कुछ शॉर्ट टर्म के बॉन्ड बेचेगी या बॉन्ड्स को परचेस करेगी ओके ये दोनों चीज जब गवर्नमेंट ऑफ सॉरी आरबीआई करती है तो उसको हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं सेलिंग और परचेसिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स अभी यहां पे आरबीआई क्या कर रहा है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के बॉन्ड्स को खरीद लेगा तो मार्केट में ऑटोमेटिक पैसे आएंगे अगर मार्केट में पैसा आ गया तो मार्केट में सडनली डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट की डिमांड और सप्लाई मार्केट के डिमांड और इन्फ्लेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए आरबीआई बहुत बार ये ओपन मार्केट ऑपरेशन का टूल यूज करता है इसको हम लोग ऑपरेशन ट्विस्ट कहते हैं बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ नहीं कहा और बाद में ये पुट कर रहे तो इसको सेलिंग और परचेसिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहा जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म का बॉन्ड है जिससे दस हजार करोड़ रेज किए जाएंगे और शॉर्ट टर्म का बॉन्ड है जिससे 8000 करोड़ रेज किए जाएंगे सो 10,000 करोड़ एंड 8000 करोड़ के ऐसे बॉन्ड्स वो लोग बाहर मार्केट में ला रहे हैं ओके याद रखना दो बॉन्ड है 10,000 करोड़ एज वेल एज 8000 करोड़ लॉन्ग टर्म एज वेल एज फॉर द शॉर्ट टर्म ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 चलो बताइए मार्केट में पैसा लाने के लिए जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी मार्केट में पैसा लाना पड़ेगा ना आपको तो परचेस कर लेंगे वापस मार्केट में पैसा आ जाएगा फॉर दैट पर्पज शुभम चलो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज इंडियन फार्माकोपोइया ओके मुझे बताइए इंडियन फार्माकोपोइया का मतलब यह होता है यस 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 अगेन सेल भी होगा बट ऑब्वियस है क्योंकि जब बॉन्ड खरीदते हैं ना तो उसका टाइम फ्रेम होता है वो टाइम फ्रेम के बाद आपको वापस उसको देना ही पड़ेगा ना शुभम तो करना ही पड़ेगा ओके
लुक इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 21 का मतलब यह है कि जो इंडिया के मेडिसिन के स्टैंडर्ड्स हैं, ये सेम स्टैंडर्ड्स कौन सी कंट्री यूज करने वाली है। पहली बार कोई कंट्री दुनिया की ऐसी है जो इंडिया के मेडिसिन के स्टैंडर्ड्स यूज करने वाली है, नहीं तो इंडिया भी यूज नहीं करता था, पर पहली बार कोई दूसरी कंट्री है जो इंडियन मेडिकल या इंडियन ड्रग्स के स्टैंडर्ड्स यूज करेगा, मेडिसिन के स्टैंडर्ड्स यूज करेगा। आंसर इज अफगानिस्तान। यस, क्वेश्चन नंबर 82, हु हैज बीन ऑनर्ड एट द माराकेश फिल्म फेस्टिवल। माराकेश फिल्म फेस्टिवल में किसको अवार्ड मिला है? नहीं, डिमांड अगर इंक्रीज होता है तो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगा, बट ऑब्वियसली यस स्वीटी यू आर एब्सोल्युटली राइट, डिमांड इसलिए बढ़ा रहे ताकि महंगाई थोड़ी बढ़े। मार्केट में जब तक महंगाई नहीं बढ़ेगी तब तक बाकी बिजनेस को भी स्कोप नहीं मिलेगा। महंगाई हमेशा बुरी नहीं होती है, महंगाई कभी कभी अच्छी भी होती है, याद रखिएगा। चलो इसका आंसर कर दो, हु हैज बीन ऑनर्ड एट द माराकेश फिल्म फेस्टिवल। माराकेश फिल्म फेस्टिवल में किसको अवार्ड मिला है? आंसर इज प्रियंका चोपड़ा। आजकल दुनिया के इंडिया के बाहर के सारे अवार्ड प्रियंका चोपड़ा को ही मिल रहे हैं, सो आंसर इज पीसी। ओके, प्रियंका चोपड़ा गॉट दिस अवार्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। Xiaomi लॉन्च इट्स लेंडिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड एज अ MI क्रेडिट, वेर इन इंडिविजुअल कैन अवेल लोन अप टू हाउ मच अमाउंट। रिसेंटली Xiaomi ने इंडिया में MI क्रेडिट लॉन्च किया हुआ है, तो ये MI क्रेडिट में कितने तक का लोन मिल सकता है, कितने तक का लोन मिलेगा? ओके, वो आप डिसाइड कर लो कौन सी पीसी है, आप लोगों की है या फिर प्रियंका चोपड़ा है या निक जोनस की है। चलो कोई बात नहीं, आगे जाते हैं। Xiaomi लॉन्च इट्स लेंडिंग प्लेटफॉर्म MI क्रेडिट, उसमें लोन कब तक का मिल सकता है? शुभम का कहना है 1.5 लाख। एनीवन एल्स? यस, जल्दी जल्दी आंसर करो। आंसर इज 1 लाख, अप टू 1 लाख, 1 लाख तक का मिलेगा, 1.5 नहीं है, 1 लाख तक का लोन मिल सकता है। तो Xiaomi इज द कंपनी हु लॉन्च दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज लोअर्ड इट्स फोरकास्ट फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इन द फिस्कल ईयर 1920। रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया का फोरकास्ट थोड़ा कम कर दिया, कितने पे लाया है जल्दी से बताइए, जल्दी गिव मी द आंसर। एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से इंडिया का GDP फोरकास्ट कहां तक गया है? फास्ट 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 फास्ट। चलो बोलो, गिव मी द आंसर ऑफ दिस। यस यस यस, या मैं भी फनी हो सकता हूं। यस, आंसर इज 5.1%। 5.1% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एक्जैक्टली। सो इंडियाज GDP फोरकास्ट इज गोइंग डाउन एंड दे टॉक्ड अबाउट 5.1%। क्वेश्चन नंबर 85, जल्दी। विच स्टेट हैज वन द ब्रॉन्ज इन द वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड फॉर जगा मिशन? जगा मिशन के लिए रिसेंटली किस स्टेट को ब्रॉन्ज मेडल मिला है वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड के अंदर? जगा मिशन के अंदर जो स्लम एरिया होता है उस स्लम एरिया को डेवलप करने की बात की जा रही है जगा मिशन के अंदर। ये जगा मिशन बहुत बढ़िया मिशन है, पर इसके लिए अवार्ड भी दिया गया, पर ये मिशन एग्जैक्टली कौन से स्टेट का है? अरविंद का आंसर आया ओडिशा, शुभम भी वही ओडिशा कह रहे हैं, साहिल का भी वही कहना है, प्रियंका भी का भी वही कहना है। यस, आंसर इज ओडिशा। ओडिशा इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उन्होंने ये जगा मिशन लॉन्च किया हुआ है। यस, वेरी गुड, फॉर द स्लम डेवलपमेंट, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। चलो, यूनेस्को हैज टाइड अप विद विच कंपनी टू एनेबल स्कूल टीचर्स टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम्स बाय यूजिंग ICT टूल्स। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स यूज करके स्कूल्स के अंदर एजुकेशन दिया जाएगा, तो यूनेस्को ने किसके साथ टाई अप किए ताकि इंडिया में इसको अडॉप्ट कर सके? तो मुझे बताइए जल्दी इसका आंसर। यूनेस्को टाइड अप विद विच कंपनी ताकि हम लोग स्कूल टीचर्स टेक्नोलॉजी, उनको टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ा सके, जल्दी से। प्लान ये चल रहा है कि इंडिया में स्कूल्स के अंदर हम लोग बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लाने वाले, तो उसको कैसे यूज करें, ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाए, तो एग्जैक्टली यूनेस्को ने लॉन्च किया किसके साथ मिलके? यस, आंसर इज डेल। विद द हेल्प ऑफ डेल दे हैव लॉन्च दिस टूल इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, जल्दी से। द गुजरात गवर्नमेंट हैज साइंड MOU विथ विच बैंक टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर। गुजरात गवर्नमेंट ने रिसेंटली किसके साथ, किस बैंक के साथ टाइप किए ताकि MSME सेक्टर को हेल्प कर सके? जल्दी से इसका आंसर कर दो। ऑलरेडी इसका आंसर पहले किसी ने किया था, कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ा था किसी ने इसके बारे में पहले ही मेंशन किया था। ओके, इसका आंसर कर दीजिए। अरविंद का आंसर आ चुका है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसा अरविंद का कहना है। बाकी लोग? यस, आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा। मैंने तभी भी कहा था बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत ज्यादा सोशल वर्क कर रही है, तो उसमें से एक दूसरा सोशल वर्क है जिसके अंदर वो गुजरात गवर्नमेंट के साथ टाई अप कर रही है MSMEs के लिए। यस, आंसर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 88, रिसेंटली जनता क्लिनिक किस स्टेट ने लॉन्च किए,
किस स्टेट के अंदर रिसेंटली जनता क्लिनिक लॉन्च हुए ताकि जो भी गरीब लोग हैं उनको प्रॉपरली मेडिसिनल ट्रीटमेंट या मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके. तो जनता क्लिनिक रिसेंटली किसने लॉन्च किए, जल्दी से बताइए कौन से स्टेट के अंदर. यस फास्ट, हार्डली हमारे 12 क्वेश्चंस बचे हुए. गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यस बीओबी का हेडक्वार्टर इज इन वडोदरा गुजरात. एब्सोल्युटली राइट के. यस आंसर इज राजस्थान. अनफॉर्चुनेटली राजस्थान स्टार्टेड दिस क्लिनिक्स और कोटा के अंदर काफी बच्चों की डेथ हो रही है. ओके सो एक आयरनी है इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए. बट एनीवेज यस मोहल्ला क्लिनिक के कंसेप्ट पर जनता क्लिनिक लॉन्च किया गया जो दिल्ली में लॉन्च किए थे और राजस्थान. यस चलो आगे बढ़ते हैं. इन विच स्टेट फाउंडेशन स्टोन फॉर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी हैज बीन लेड डाउन. कौन से स्टेट के अंदर अटल बिहारी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी लॉन्च करने वाले हैं, जल्दी से बताइए. यस इन विच स्टेट दे आर गोइंग टू लॉन्च द मेडिकल यूनिवर्सिटी इन द नेम ऑफ मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी. फास्ट यस इट्स अ कॉपी ऑफ मोहल्ला क्लिनिक इन दिल्ली. यस आंसर इज यूपी. यूपी के अंदर लखनऊ में दे आर गोइंग टू लॉन्च द मेडिकल यूनिवर्सिटी इन द नेम ऑफ मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी. क्वेश्चन नंबर 19, इसका भी आंसर बहुत ईजी है, इसका भी आंसर सब लोग देने वाले हैं. इन विच रेलवे स्टेशन एंड ऑक्सीजन पार्लर हैज बीन ओपन. कौन से रेलवे स्टेशन में ऑक्सीजन पार्लर बनाया गया है जहां पे ऐसे प्लांट्स रखे गए जहां से ऑक्सीजन एमिट होगा और पूरा CO2 सक किया जाएगा. सो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए कौन से स्टेशन पे ये ऑक्सीजन पार्लर लॉन्च किए गए हैं, कौन से रेलवे स्टेशन पे, जल्दी से इसका आंसर कीजिए. यस दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90, हार्डली 10 क्वेश्चन बचे इसके बाद. यस आंसर इज नासिक, नॉट नागपुर. आंसर इज नासिक ऑफ दिस क्वेश्चन. वेरी गुड वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 91, अंडर अटल भूजल योजना 50% ऑफ फंडिंग शाल बी डन इन द फॉर्म ऑफ लोन बाय. अटल भूजल योजना के लिए 50% पैसा हम लोग लोन पे लेने वाले हैं, तो ये 50% पैसा हमें लोन पे कौन दे रहा है, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए. यस दोस्तों अटल भूजल योजना के अंदर जो पैसा आएगा उसमें से 50% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 50% पैसा कहां से आने वाला है ताकि हम लोग यूज कर सके अटल भूजल योजना ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट के लिए. यस अरविंद का आंसर है वर्ल्ड बैंक. यस आंसर इज वर्ल्ड बैंक. वेरी गुड वेरी वेरी गुड. ओके यवतमाल में अंग्रेजों ने बनाया हुआ रेलवे स्टेशन ही चलेगा प्रियंका मैम. ओके यस आंसर इज वर्ल्ड बैंक ऑफ दिस क्वेश्चन. दिल्ली में तो गंभीर साहब कर रहे जो भी करना है. विच स्टेट हैज टॉप द गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च बाय द गवर्नमेंट अमॉन्ग द बिग स्टेट्स. के जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए. गुड गवर्नेंस का भी रिसेंटली इंडेक्स लॉन्च किया गया. इस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा सबसे अच्छा स्टेट कौन सा है गुड गवर्नेंस के अंदर. यस 6,000 करोड़ हम अटल भूजल योजना में खर्च कर रहे हैं, उसमें से 3,000 करोड़ हमें वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करने वाली है. बहुत बढ़िया. चलो बताइए इसका आंसर कि गुड गवर्नेंस में सबसे बेस्ट स्टेट कौन सा है. वेस्ट बंगाल तो ओके ओके या आंसर इज तमिलनाडु. एब्सोल्युटली राइट आंसर इज तमिलनाडु फॉर द स्टेट. ओके चलो यूटीज के अंदर अरविंद ने पहले आंसर कर दिया. अरविंद थोड़ा कंट्रोल कर लिया कर भाई. ओके विच यूटी हैज टॉप द गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च बाय द गवर्नमेंट अमॉन्ग द यूटीज. स्टेट में तमिलनाडु है, यूटीज में कौन है. या शाकुंतला बंद हो गई राइट. यस यस चलो कोई बात नहीं. वंस अपॉन अ टाइम आई यूज टू ट्रैवल फ्रॉम शाकुंतला एक्सप्रेस. यस आंसर इज पुद्दुचेरी. पुद्दुचेरी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एब्सोल्युटली राइट. मैं आगे बढ़ता हूं. क्वेश्चन नंबर 34, हु हैज द फर्स्ट अप्रूव्ड अ बायो सिमिलर मेडिसिन वन डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग सोर्सेस रादर देन केमिकल्स टू मेक द ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट अफोर्डेबल टू वुमन ग्लोबली. रिसेंटली बायो सिमिलर नाम की एक ट्रीटमेंट स्टार्ट की गई है. ये ट्रीटमेंट जहां पे केमिकल्स यूज नहीं करेंगे, हम लोग लिविंग सोर्सेस का यूज करेंगे. ये एग्जैक्टली किसने लॉन्च किया है फॉर ब्रेस्ट कैंसर. दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस ओरल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की होती है, तो इन दोनों से या ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए बायोसिमिलर नाम का मेडिसिन रिसेंटली किसने लॉन्च किया, जल्दी से बताइए. यस फास्ट नो. यस आंसर इज WHO. WHO लॉन्च दिस. यहां पे बहुत इजी ये क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है. WHO इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. बायोसिमिलर याद रखना, यहां पे शायद क्वेश्चंस बहुत पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95. बस 5 क्वेश्चन है. के वेयर डज द नेशनल क्रॉस डिसिप्लिनरी लीडरशिप प्रोग्राम कॉल्ड एज अ इको नेटवर्क लॉन्च रिसेंटली.
क्रॉस डिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोग्राम, ये किसको इको नेटवर्क कहते हैं, ये कहाँ लॉन्च किया गया ताकि एनवायरमेंट में ग्रोथ कर सके, इसलिए अलग अलग डिसिप्लिन के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे ताकि हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये प्रोग्राम रिसेंटली किस सिटी में लॉन्च किया गया है, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए एनवायरमेंट को प्रमोट करने के लिए। या सर्वाइकल कैंसर इज टॉप्ड इन इंडिया, पर वर्ल्ड की अगर बात करेंगे तो ओरल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर हैविंग द मैक्सिमम केसेस। यस, आंसर इज दिल्ली। दिल्ली के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, नॉट इन द केस ऑफ चेन्नई। दिल्ली के अंदर इसको लॉन्च किया गया है इकोलॉजिकल नेटवर्क, जिसको हम लोग कहते हैं, जहां पे अलग अलग डिसिप्लिन के लोग एक साथ आएंगे और अपने फील्ड में हम एनवायरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फिक्की के नए प्रेसिडेंट का नाम बताइए, फिक्की के नए प्रेसिडेंट का नाम बताइए जल्दी से। यस दोस्तों, फास्ट। एनीवन? यस, संगीता रेड्डी। संगीता रेड्डी इज द न्यू हेड, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द फिक्की। यस, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, नेथाना नेस्थाम स्कीम फॉर हैंडलूम वेवर्स इज लॉन्च बाय विच स्टेट। कौन से स्टेट ने नेथाना नेस्थाम स्कीम हैंडलूम वेवर्स के लिए रिसेंटली लॉन्च की गई है? ओके, इसमें से एक तो ऐसे ही निकल जाएगा, दिल्ली तो ऐसे ही निकल जाएगा। ओके, कि नाम देख के लगता है ये साउथ इंडियन नाम है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। यस, बहुत बढ़िया संगीता रेड्डी, बहुत लोगों ने आंसर किया, बहुत बढ़िया गाइस, वेरी गुड वेरी गुड। आज बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत लोग पढ़ के आए हैं। यस, आंसर इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च दिस स्कीम। ओके, क्वेश्चन नंबर 98 पे जाता हूं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज सिक्योर्ड द यूनिसेफ 19 अवार्ड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन का ये जो अवार्ड है यूनिसेफ का, ये किस डिस्ट्रिक्ट को मिला है जल्दी से बताइए। यस, आई एम फ्रॉम नागपुर। ओके, प्लस नागपुर को कोई अवार्ड नहीं मिलता। चलो बताइए। यस, आई एम अ डेंटिस्ट। मैं डेंटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, बाय एजुकेशन आई एम अ डेंटिस्ट। यस, कामारेड्डी तेलंगाना, कामारेड्डी तेलंगाना, दे गॉट दिस अवार्ड। एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। हु हैज बीन नेम्ड एज ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाज ओडीआई टीम ऑफ द डिकेड। ये अवार्ड किसको मिला? यस, का आंसर कर दीजिए। इसका भी आंसर बहुत ईजी है, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। जाते जाते आपको थोड़ा मोटिवेशन देके जा रहा हूं ताकि आपको डिप्रेशन ना आए। ओके, चलो दोस्तों, कल 12 बजे फाइनेंशियल अवेयरनेस का लेक्चर रहेगा मेरा, और कल 3 बजे आईबीपीएस क्लर्क मेंस का पहला मॉक होगा, जिसके अंदर क्यूए, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश चारों सब्जेक्ट्स हम डिस्कस करने वाले, जैसे हमने एलआईसी असिस्टेंट के लिए लिया था। याद रखना, 12 बजे फाइनेंशियल अवेयरनेस और 3 बजे मॉक रहेगा। और परसों मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स, तो नवंबर भी पढ़ के आइएगा। बैंकिंग अवेयरनेस से वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस नियर अबाउट। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 100। यस, आज मैच है 7 बजे। एनीवेज, 100 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। हु हैज बीन कन्फर्ड विद द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियंस इन द मेन्स सिंगल फॉर 2019। 2019 का हेड कौन है? 2019 में टेनिस के सबसे बड़े प्लेयर कौन है, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। फाइनेंशियल मार्केट का क्लास, फाइनेंशियल अवेयरनेस का क्लास कल होगा 12 बजे। फाइनेंशियल अवेयरनेस का क्लास कल 12 बजे होगा और 3 बजे मॉक होगा। परसों फाइनेंशियल अवेयरनेस का क्लास प्लस नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो याद रखिएगा, 2 दिन का मैंने अपना शेड्यूल आपको बता दिया है, उसकी लिंक्स भी आपको मिल जाएगी। यस, आंसर इज राफेल नडाल, ही इज फ्रॉम स्पेन, स्पेन के प्लेयर है और इस साल के वो वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर है। यस, राफेल नडाल इज द आंसर। सो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर द डे। 100 क्वेश्चंस थे, आप लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से आंसर्स किए, थैंक यू वेरी मच। कल 12 बजे मिलते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर और 3 बजे मॉक के लिए मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। संडे है, शाम को मैच है, एंजॉय कीजिए। ठीक है, चलो, थैंक यू। तो मैं भी अभी लंच करता हूँ एक्चुअली। चलो बाय, टेक केयर।
ओके, कोई भी डाउट, कोई भी इशू होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू आंसर दैट. ओके, चलो बाय.